फ्रेंड्स आज फोर्थ डे का गेम है और कैप्टन हमारे अंदर बैठे हुए नासिर भाई, उनसे ही पूछते हैं कौन सा क्लब है। ये हमारे अजहर भाई, कुणाल भाई आ गए कैप्टन एवन के, गौरव भाई टीम मेंबर्स को लेके आए हैं, ये रहे सलमान भाई, जावेद भाई और हमारे मिराज भाई, और ये रहे हमारे कैप्टन नासिर भाई। नासिर भाई कौन सा क्लब है आपका? आकाश क्लब है, ऊपर देखो क्लब है। चौथे दिन का गेम है, बहुत बढ़िया होने वाला है और टक्कर का गेम होगा, एवन लखनऊ और आकाश दिल्ली के बीच में। तो फ्रेंड नाजागंज में आज फिर से दो परदेसी टीम है, एक गेम है इंडियन काइट क्लब से शेर ए पंजाब काइट क्लब का, जिसमें वसीम भाई, फरहान भाई, गिन्नी भाई और नहीं अभी गिन्नी भाई दीपक, अच्छा गिन्नी भाई दीपक, छह प्लेयर आए हैं। अच्छा तो ये छह प्लेयर है में जानते हैं। अच्छा डमरू के नाम से, धीरज चौहान, धीरज चौहान मुझे बादशाह के नाम से जानते हैं, मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद। अच्छा मोहम्मद शाहिद, देखिए ये नाम है, लेकिन पतंग में जो जो नाम है वो बता दिया हमारे बादशाह भाई ने, और बढ़िया गेम होगा। 4 बजे हम आपको इस टीम की अपडेट देंगे, लेकिन आज का जो फुल गेम है वो कवर करना है एवन का अजहर भाई वाला। तो चल के देखते हैं पहला पेज कौन लड़ाएगा दोनों टीमों की ओर से। और फ्रेंड्स ये टीम मेंबर हैं जो एवन की ओर से लड़ाएंगे, हमारे डंपी भाई, आशु भाई, साकिब हैं, गौरव भाई, और इधर हैं कैप्टन एवन के कुणाल भाई। तो गेम कवर करते हैं और आज का एवन की ओर से पहला पेज लड़ाएंगे लगता है गौरव भाई, और अपोजिट टीम से पहले पेज के लिए दिल्ली की ओर से बढ़ते हुए हिप्पी भाई नीचे के पेज के लिए जगह बनाने जा रहे हैं, ऊपर से लड़ाएंगे गौरव भाई। चलते हैं पेज पे, देखेंगे आज के दिन का पहला पेज कौन काटेगा लखनऊ वर्सेस दिल्ली में। और एवन की ओर एक प्लेयर और आने को बाकी थे लाला, और लाला भी आ गए हैं, ये आलोक भाई भी आ गए हैं, लेकिन आलोक भाई नहीं लड़ा पाएंगे क्योंकि पहले इन्होंने अजहर भाई के खिलाफ एक दिन पहले गेम लड़ाया है जो पिछले। तो आज के दिन का पहला पेज ऊपर से गौरव भाई, नीचे से हिप्पी भाई, पेज को सही कहा, ये सही हो गया, नीचे से जगह लेते आ रहे, थोड़ी सी पतंग बढ़ाए, और गौरव भाई काफ़ी भारी पतंग बढ़ा के आए हैं, 350 मीटर की रेंज होगी, लेकिन हिप्पी भाई की पतंग थोड़ी सी बढ़ है और बड़ पतंग से जगह लेते जा रहे हैं, बीचों बीच में अपनी पतंग को बनाए हुए हैं, ताने हुए हैं गौरव भाई उर्फ गौरव झटका के नाम से, लखनऊ में काफ़ी मशहूर है। धीरे धीरे अपनी पतंग को उतारते हुए गौरव भाई और ज़्यादा रेंज को कम करा रहे हैं, नीचे से हिप्पी भाई पतंग को लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं और जगह लेते जा रहे हैं। और राइट्स में आपको जो पतंग दिख रही है वो शेर ए पंजाब दिल्ली का एक और क्लब, जिसमें हमारे फरहान भाई लड़ाते हैं, उनकी पतंग है वो। एक पेज अपना काट चुके हैं, पहला पेज जो था शेर ए पंजाब वर्सेस इंडियन का, उसमें फरहान भाई ने अपना पहला पेज काट दिया, बीचों बीच में अपनी पतंग को रखते हुए गौरव भाई रेंज को अभी भी कम करा रहे हैं, लेकिन 300 मीटर की रेंज अभी भी है, नीचे से अंदर की तरफ पतंग को खींचते हुए हिप्पी भाई काफ़ी बड़ पतंग से अंदर की तरफ जगह लेते आ रहे हैं, और गौरव भाई भी अपनी भारी पतंग को अंदर तक पूरा उतारा, काफ़ी नीचे पे जाके ताकत से झटके मारे भाग तक खींचा हिप्पी भाई ने, लेकिन कट गए। तो पहला पेज आज के दिन का लखनऊ एवन और आकाश दिल्ली के बीच में गौरव भाई ने काट दिया। तो गौरव भाई ने पेज काटा और आशु भाई को चांस दे दिया है, पहली पतंग लड़ाएंगे आशु भाई, तो उनको कुछ बदलते हुए चेंज करते हुए, और अजहर भाई ऊपर के पेज के लिए बने हुए हैं, और दोनों का इस पतंग से अब की बार होगा पहला पेज, और दोनों ही ताकत वाले प्लेयर हैं अपने शहरों के, एक दिल्ली के अजहर भाई और लखनऊ के आशु, देखते हैं किस तरह का पेज लड़ाएंगे दोनों एक दूसरे से। तो नीचे से आशु एवन लखनऊ के लिए और ऊपर से दिल्ली के अजहर भाई, लास्ट गेम में एंड टाइम पे अजहर भाई ने बढ़िया पेज रेंज में ताकत वाले काटे थे, तो देखते हैं आज के दिन का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा दिल्ली के अजहर भाई का। दोनों का इस पतंग से पहला पेज, धीरे धीरे अपनी पतंग को बीचों बीच में बनाए हुए हैं, पेज अभी सही नहीं हुआ है, नीचे सही जगह लेते जा रहे हैं आशु भाई, सही की आवाज़ दी, पेज सही, अजहर भाई थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर अपनी पतंग की रेंज को निकालते हुए, और ज़्यादा दूरी नहीं है अभी, मुश्किल से 350 मीटर की रेंज में ही पतंग लड़ रहा होगा, धीरे धीरे अपनी पतंग को बढ़ करते जा रहे हैं अजहर भाई, और बीच में अपनी पतंग को बनाए हैं, थोड़ा सा अंदर का मुड्ढा बनाया, फिर से थोड़ा निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, पतंग की तरफ लेके चलते हुए फिर से रुके, अंदर का मुड्ढा बनाया, धीरे धीरे अपनी पतंग को नीचे करते जा रहे हैं आशु, ज़्यादा से ज़्यादा जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं और टेढ़ा कराए हुए हैं नीचे से, बीच में अपनी पतंग को चलाते हुए धीरे धीरे नीचा कर रहे हैं अजहर भाई, आकाश दिल्ली के मेंबर, ऊँचा करके मुड्ढा दिया थोड़ा सा, निकलता हुआ बनाया, फिर से धीरे धीरे नीचे कर रहे हैं, पतंग थोड़ी सी बाहर की लग रही है, ताकत से लगता है अजहर भाई गद्दा मारेंगे, हो सकता है सीधी हो जाए, निकलता गद्दा बनाया, अंदर की तरफ खींचा आशु ने भी, दोनों लोग ताकत से खींचा, और बढ़िया पेज आशु ने काट दिया और एक पेज अपना पूरा कर लिया एवन लखनऊ के लिए। तो आशु भाई ने भारी पतंग देखते हुए नीचे से बुला लिया है मिराज भाई को, और काफ़ी टेक्निकल प्लेयर है दिल्ली के मिराज भाई, आकाश क्लब के लिए लड़ाएंगे अब नीचे से अपनी भारी पतंग को, और ऊपर से लड़ाएंगे आशु, तो देखते हैं गेम बदला है ऊपर से क्या काट पाते हैं मिराज को, पूरे करवाएंगे अपने दो पेज की नहीं। ये हमारे देखिए हेमंत भाई हैं, हाथ हिलाते हुए हाय कहते हुए, और आज की शॉर्ट वीडियो ये भी कवर करेंगे, बढ़िया चैनल है इनका भी,
और चलते हैं बेच पे, देखते हैं क्या होगा। तो नीचे से जगह लेते हुए मिराज भाई, आकाश डेली के लिए सही की आवाज़ दी, ऊपर से अशु भाई ने भी सही कह दिया है। अशु भाई अपनी पतंग को थोड़ा सा बढ़ करके लड़ा रहे हैं, काफ़ी भारी पतंग लेके आए हैं। और दूसरा पेज है अशु भाई के लिए, धीरे धीरे अपनी पतंग को ऊपर से रखते हुए पेज सही हो गया है, लेकिन काफ़ी ऊँचे पे अपनी पतंग को रोके हुए हैं और अंदर की तरफ जगह लेते जा रहे हैं बड़ पतंग से अशु भाई लखनऊ A1 के लिए। और आकाश डेली के लिए भारी पतंग को लगाए हुए एक ही जगह पर, हवा किसी से रुके हैं, ताकत से ऊँचा करा मिराज भाई ने, रुके निकलता हूँ उड्डा काफ़ी दूर से बनाया, करीब करा, करीब करके रुके दोनों लोग, फिर से अपनी पतंग उठाते हुए आशु ताकत से अंदर के मुड्डे पे खींचा है मिराज भाई ने, फिर से पलट के आशु ने गद्दा बनाया है, पट पे ले जाके थोड़ा सा खाली कराया, बाहर की तरफ खींचते हुए मिराज भाई अपनी पतंग को ताकत से अंदर की तरफ जगह ली, बीच में अपनी पतंग को लेकर उतर निकलता हूँ उड्डा बनाया। तो ये रहे हमारे मिराज भाई, काटा और काट के अब की बार पीछे की तरफ जा रहे हैं और चांस दे दी है जावेद भाई को। अब जावेद भाई नीचे के पेज के लिए बढ़ रहे हैं आकाश डेली की ओर से, और ऊपर से गौरव भाई ने काटा था और गौरव भाई की पतंग अभी भी है, तो ऊपर का पेज गौरव भाई लड़ाएंगे और लगता है काट के चांस देते रहेंगे A1 लखनऊ के मेंबरों को। तो देखते हैं अब की बार फिर से गौरव भाई काट के चांस दे पाते हैं कि नहीं। तो नीचे से जावेद भाई जगह लेते हुए ऊपर से गौरव भाई, तेज़ हाथों से जावेद भाई जगह लेते आ रहे हैं और जावेद भाई ने थोड़ी रेंज निकलवा दी है, 450 से 500 के करीब होगा, सही की आवाज़ दी। गौरव भाई अपनी पतंग को ऊपर ऊपर रखे हैं और जिस रेंज में पहुंच गए गौरव भाई, उम्मीद नहीं इतनी डोर बांधे होंगे, तो उम्मीद यही है कि यहीं पे लाके लड़ाएंगे, मतलब रेंज को कहीं ना कहीं अपने ले आएंगे 250 से 300 मीटर पे। और देखिए सीधी पतंग करके लगातार खींचते हुए जावेद भाई काफ़ी ऊपर करके खींच रहे हैं, लेकिन गौरव भाई A1 लखनऊ के मेंबर अपनी पतंग को ऊपर ही ऊपर काफ़ी ज़्यादा कम करते हुए ताकत से जावेद भाई ने मुड्ढा बनाया, धीरे धीरे अपनी पतंग को उतार रहे हैं, करीब करके लाए, रोक के फिर से पतंग को ऊपर कर लिया, रेंज लगातार कम होती जा रही है, देख सकते हैं ताने ताने पतंग को कम कर रहे हैं जावेद भाई, एकदम खड़ी करके मुड्ढा दे रहे हैं लेकिन लगातार पतंग की रेंज को कम कराते हुए, क्योंकि ऊपर वाली पतंग है पहला पे लड़ाया था डोर बहुत कम बांधे थे और जावेद भाई ने काफ़ी रेंज में जाके सही कराया, तो लगातार अपनी पतंग की रेंज को कम करते जा रहे हैं। गौरव भाई के मेंबर ले आए हैं धीरे धीरे 350 पे और अभी भी रेंज को कम कर रहे हैं, जावेद भाई अपनी बड़ पतंग को खड़ी करके एकदम मुड्ढा दे रहे हैं, लेकिन गौरव भाई लखनऊ के लिए रेंज को कम कराते हुए अभी भी देख सकते हैं ऊपर ही ऊपर पतंग को टहलाते हुए काफ़ी भारी पतंग उड़ाए हैं, रेंज को लगातार कम करते जा रहे हैं, अंदर की तरफ मुड्ढा बनाया, 300 मीटर की रेंज रह गई होगी लेकिन अभी भी रेंज को कम करा रहे हैं। जावेद भाई अपनी पतंग को एकदम खड़ी करके लड़ा रहे हैं, बाहर का मुड्ढा जावेद भाई ने बनाया और गौरव भाई अभी भी रेंज को कम कर रहे हैं, अंदर मुड्ढा रखने की कोशिश, लेकिन जावेद भाई बाहर की तरफ खींच के कैंसिल कराने का लग रहा मूड बना लिया, बाहर की तरफ एकदम ले गए अपनी पतंग को और देखते हैं कैंसिल कराएंगे या फिर लड़ा लेंगे अपनी पतंग को थोड़ा सा बाहर करके। देखिए कैंसिल की बात दे रहे हैं शायद, लेकिन गौरव भाई जाने नहीं दे रहे हैं, पतंग लंबे करने लगे तो कैंसिल हो गया पेज, तो दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो जब तक गौरव भाई अपनी पतंग को लंबे कर रहे हैं, फरहान भाई का फिर से एक पेज देख लेते हैं, नीचे से जगह लेते हुए फरहान भाई अपनी पतंग को ऊँचा करा, थोड़ा सा पट पर ले गए, निकलता हूँ मुड्ढा बनाया इंडियन के प्लेयर ने, निकलता हूँ बना रहे फरहान भाई ने ताकत से अंदर के मुड्ढे पे खींचने लगे हैं, निकलता हूँ मारे तेज तेज डबल करते हुए झटके मार रहे हैं इंडियन के प्लेयर, अंदर के मुड्ढे पे सल्ला खींचते हुए फरहान भाई और फिर से देखिए एंड टाइम पे आके झटके मार के बढ़िया पेज काट दिया है। और देखते हैं पीछे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, अगर पीछे बढ़ेंगे तो उसका मतलब 7 हो गया, वो नहीं बढ़ेंगे तो फिर 5-6 का स्कोर होगा। और ये खड़े हैं फरहान भाई शेर ए पंजाब के लिए अपनी पहली पतंग उड़ाते हुए इंडियन लखनऊ के खिलाफ, तो चरखी तो कर रहे हैं मेंबर, उनका कोई और मेंबर भी नहीं बढ़ रहा है, शायद अभी भी 7 पेज नहीं हुए हैं, 4-5 पेज या 6 पेज हुए होंगे, लेकिन पता जरूर करेंगे कि कितने काटे इन्होंने अपनी इस पहली पतंग से। तो 500 मीटर की रेंज फिर से गौरव भाई लंबे करके पहुंचे हैं, नीचे से जावेद भाई ने सही कराया, सही करा के ताकत से खींचने लग गए हैं, डबल होती हुई पतंग जा रही है, रुक गए काफ़ी ऊँचे करके ले गए गौरव भाई अपनी पतंग को, भारी पतंग है और उम्मीद है फिर से रेंज को कम कराएंगे और यहीं पे ला के थोड़ा सा कम करके 250-300 मीटर पे पेज लड़ाएंगे। धीरे धीरे अंदर के मुड्ढे पे ताकत से खींचते हुए गौरव भाई और काफ़ी बड़ पतंग है जावेद भाई की, जावेद भाई ने बाहर का मुड्ढा दिखा के फिर से अंदर की तरफ खड़ा खींच रहे हैं, रुक के बाहर का मुड्ढा फिर से खींच रहे हैं और फिर से अपनी पतंग को ऊँचे की तरफ करके रेंज को लगातार कम कराते हुए गौरव भाई A1 लखनऊ के मेंबर। और तीसरी बार हो रहा है फ्रेंड्स ये, एक बार बीच में और हुआ था लेकिन फिर उसको हटा दिया क्योंकि बार बार सेम चीज़ देखने से कोई फ़ायदा नहीं। अंदर के मुड्ढे पे पतंग उतारते हुए रेंज कम होती जा रही है, 350 मीटर की रेंज अंदर के मुड्ढे पे फिर से ऊंचा करते चले जा रहे हैं जावेद भाई आकाश डेली के मेंबर, काफ़ी ऊंचा लड़ रहा है पेज जमीन से, अंदर के मुड्ढे पे लगातार जगह लेते हुए गौरव भाई A1 डेली के मेंबर
और जावेद भाई अपनी पतंग को ऊंचा ही रखे हुए हैं जिससे ज़्यादा चढ़ के अंदर की तरफ ना उतर पाए। गौरव भाई खड़ी पतंग को खींचते हुए रोका, सीधा मुड्ढा उतारा, गौरव भाई ने निकलती हुई पतंग जा रही है रोका, करीब करके रोक के अंदर की तरफ झटके मारे ताकत से, और ये देखिए छूते ही अब की बार जावेद भाई की पतंग कट गई। तो एक पिच फिर से काट दिया है गौरव भाई ने और देखते हैं अब की बार किसको चांस देंगे A1 लखनऊ के लिए। तो गौरव भाई पीछे की तरफ बढ़ते हुए और लगता है लाला अब की बार लड़ाएंगे नीचे का पेज, हाथ चला रहे हैं तो लाला बढ़ रहे हैं, लाला लड़ाएंगे नीचे का पेज A1 लखनऊ के लिए। और ऊपर से मिराज भाई की भारी पतंग भी है तो उम्मीद यही है कि मिराज भाई लड़ाएंगे अपनी भारी पतंग ऊपर से। पेज सही, नीचे से लाला 250 मीटर की रेंज, ऊपर से मुड्ढा रखते हुए गर्दन तक पड़ते हुए मिराज भाई, आकाश दिल्ली के मेंबर। और आज भी जो गेम आप देख रहे हैं काफ़ी टक्कर का होगा उम्मीद यही है शाम तक, क्योंकि दोनों ही टीमों में बढ़िया प्लेयर हैं तो कुछ भी हो सकता है गेम, कहिए तो शाम तक हो सकता है बराबर हो जाए, लेकिन देखने वाला गेम होगा बड़ा मज़ेदार। नीचे से जगह लेते हुए लाला अपने पहले पेज के लिए, मिराज भाई की इस पतंग से दूसरा पेज है लेकिन रोक के चांस दे रहे हैं, तो फिर से समझ लीजिए दोनों का इस पतंग से पहला पेज होगा। धीरे धीरे अपनी भारी पतंग को उतारते हुए और टेढ़ा करा के जगह लिए हैं, काफ़ी नीचे पेज आ गया है। मिराज भाई फिर से अपनी पतंग उठाते हुए रखा, अंदर तक के ताकत से झटके मार रहे हैं भारत, लाला भी ताकत से झटके मार रहा, लेकिन दोनों पतंगें सेम मुड्ढे पे चली गई और पेज फिर से हक में होगा A1 लखनऊ के। तो देखते हैं नीचे के पेज के लिए कोई बढ़ेगा या फिर गौरव भाई लड़ाएंगे। तो कोई पतंग नहीं थी A1 की ओर से, इसलिए गौरव भाई अपनी पतंग को लड़ा रहे हैं ऊपर से और नीचे से बुला लिया है दिल्ली लखनऊ के मेंबर को। और अज़हर भाई पहुंच गए, अज़हर भाई का आज के दिन के लिए पहला पेज होगा, सही हो गया है और रेंज वही 250 से 300 मीटर के करीब। नीचे से जगह लेते जा रहे हैं, ऊंचा कर का मुड्ढा दिया, गौरव अपनी भारी पतंग को बनाया है, दो पेज काट चुके हैं, अब की बार देखते हैं क्या तीसरा काट के किसी को चांस दे पाएंगे या फिर अज़हर भाई अपनी पतंग कंटिन्यू करेंगे। बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए निकलता हुआ थोड़ा सा बना रहे हैं, धीरे धीरे अपनी पतंग को नीचे करा, अज़हर भाई ने अपनी पतंग को चमकाते हुए काफ़ी ऊंचा करा, फिर उस पर पट पर ले जाकर थोड़ा सा खाली कराया, कोई जल्दबाजी नहीं, अपनी पतंग को थोड़ा सा अगले की पतंग से कम करके ही झटके मारते हैं गौरव भाई। सबका अपना अपना पेज, अंदर के मुड्ढे पर ताकत से उतरते जा रहे हैं, अज़हर भाई ने काफ़ी ऊंचा करके मुड़ दिया, बाहर के मुड्ढे पर ताकत से झटके मार रहे हैं, अभी भी झटके मार रहे हैं डबल होते हुए, गौरव भाई ने भी झटके मारा है लेकिन अज़हर भाई ये पेज कट गए। तो तीसरा पेज इस पतंग से पूरा करा है और देख लेते हैं किसी और की पतंग है लड़ाने के लिए। तो कुणाल भाई को चांस मिल गई है A1 लखनऊ की ओर से लड़ाने के लिए, नीचे का पेज और कुणाल भाई का होगा पहला पेज अब की बार, और ऊपर से हिप्पी भाई की पतंग है, हिप्पी भाई जगह बनाते हुए ऊपर के पेज के लिए। तो देखते हैं अब की बार कौन काटेगा, हिप्पी भाई वर्सेस कुणाल भाई कैप्टन A1 लखनऊ। नीचे से A1 के कैप्टन कुणाल भाई, ऊपर से हिप्पी भाई आकाश दिल्ली के मेंबर, नीचे से जगह लेते जा रहे हैं, सही की आवाज़ दी, पेज सही हो गया, 300 मीटर की रेंज, ताकत से जगह लेते जा रहे हैं अंदर के मुड्ढे पे, बाहर के मुड्ढे पे अपनी पतंग को धीरे धीरे ऊंचा करते जा रहे हैं हिप्पी भाई, पतंग को उतारे हुए और ऊंचा करते हुए ताकत से खींचा, थोड़ी डोर निकाल रहे हैं अंदर के मुड्ढे पे, फिर से पतंग को बनाया ऊपर ही ऊपर। नीचे से कुणाल भाई पीछे की तरफ बढ़ते हुए थोड़ा फटाव बनाते हुए, ये देख सकते हैं पीछे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, चरखी साकिब दिखा रहे हैं इनकी, और अंदर के मुड्ढे पे हिप्पी भाई अपनी पतंग को ताकत से खींचते हुए, और ये रही पतंग कुणाल भाई की। तो दोनों एक दूसरे के अंदर की तरफ जगह ले रहे हैं, इस वजह से एक ही पतंग दिख पा रही है, थोड़ा सा बाहर निकालेंगे फिर आपको दोनों पतंगें दिखेंगे, ये कुणाल भाई की पतंग है जो आपको फ्रेम में दिख रही है, अंदर के मुड्ढे पे अपनी पतंग का गद्दा मारते जा रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल अंदर के मुड्ढे पे पतंग को उतारते हुए हिप्पी भाई, इसी वजह से आपको दोनों पतंगें नहीं दिख रही, थोड़ा सा पीछे बढ़ जाते हैं तो हो सकता है दोनों पतंगें दिखे आपको, ये देखिए ये दोनों पतंगें नीचे से जगह बनाए हुए हैं, अंदर के मुड्ढे पे जगह लेते जा रहे हैं कुणाल भाई भी और ऊँचा करते जा रहे हैं, और अंदर के मुड्ढे पे हिप्पी भाई भी अपनी पतंग को उतार रहे हैं, और अंदर के मुड्ढे पे चल रहे हैं हिप्पी भाई भी, और पीछे बढ़ते हुए ताकत से भाग रहे हैं, और ये देखिए अंदर के मुड्ढे पे झटके मारे और पीछे भाग रहे थे और हिप्पी भाई मुड्ढा रख रहे थे कट गए। तो एक पेज हो गया है कुणाल भाई का A1 लखनऊ के लिए। ऊपर के पेज के लिए आ गए हैं मिराज भाई आकाश दिल्ली के मेंबर, और नीचे से अपना दूसरा पेज लड़ाएंगे कुणाल भाई, नीचे से जगह लेते हुए ऊपर से अपनी पतंग का मुड्ढा उतारते हुए मिराज भाई, सीधा मुड्ढा उतारा, पेज अभी सही नहीं हुआ है, करीब करके रोका और ये पतंग तनी जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, ये देख सकते हैं लेफ्ट पे जो पतंग है जगह नहीं ले पा रहा है कुणाल भाई, उसकी वजह से हटाने के लिए कह रहे हैं, इसलिए सही नहीं हुआ पेज, ये देखिए जाने के लिए कहा जा रहा है कि आगे जाके पतंग को हटवाइए, आगे लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, देखिए एक पतंग ये लगी हुई बीच में और एक पतंग काफ़ी रेंज में है, जो कि लड़के यहाँ आगे बच्चे हैं उन्होंने पतंग पकड़ ली है, ये देखिए खड़े हुए हैं जिसके वजह से लड़ाते नहीं बन रहा, ये देखिए हाथ चला रहे हैं तो जगह नहीं बन पा रही है, जगह लेने में दिक्कत हो रही है, पतंग काफ़ी दूर की है टूट गई है और उसको उतारते हुए
तो दोबारा से फेस सही होता है फिर कंटिन्यू करते हैं। नीचे से कुणाल भाई, ऊपर से मिराज भाई। नीचे से कुणाल भाई का दूसरा पेज, बाहर की पतंग है मिराज भाई की, देख सकते हैं जैसी मुड्ढा रख रहे हैं, बाहर तब गिर रही है। कुणाल भाई ने काफ़ी ज़्यादा ऊंचा करा, अंदर के मुड्ढे पे मिराज भाई ने पतंग उड़ा, तेते झटके मारे बाहर के मुड्ढे पे, पट पे झटके मारे कुणाल भाई भी, और फिर से थपकियों वाले पेज में ये कुणाल भाई ने काट के अपने दो पेज पूरे कर लिए हैं A1 लखनऊ के लिए। और फ्रेंड्स, कुणाल भाई ने दो पेज काटे थे, दो बढ़िया पेज काटे थे थपकते हुए, और वो पतंग आशु भाई के हाथ में दे दिए। ये देखिए आशु भाई अब उस पतंग को लड़ा रहे हैं, तो यहाँ से और इस पतंग से अब फिर से पहला पेज काउंट होगा। और ऊपर से आ गए हैं अजहर भाई आकाश दिल्ली के लिए, चलते हैं पेज पे। और थोड़ी सी आशु भाई ने सेम पतंग की रेंज निकाल दी है, 400 मीटर की रेंज होगी। नीचे से जगह लेते जा रहे हैं आशु भाई, ऊपर से अजहर भाई अपनी पतंग का मुंडा बनाए हुए हैं। पेज अभी सही नहीं हुआ, जगह लेते चले जा रहे हैं। नीचे से आशु भाई खड़ा कराने की कोशिश कर रहे हैं, राइट हैंड की तरफ हवा दब गई है, पेज सही जिधर A1 लखनऊ खड़ा हुआ है, लेकिन ताकत से जगह लेते जा रहे हैं उसी पतंग से। अंदर के मुड्ढे पे अजहर भाई अपनी पतंग को बनाते हुए, काफ़ी ज़्यादा हवा दब गई है, ऊपर से बड़े आराम से अपनी पतंग को चलाते हुए अजहर भाई आकाश दिल्ली के मेंबर ताकत से नीचे से जगह बनाए हुए हैं। आशु बीचों बीच में अपनी पतंग का मुड्ढा उतारते हुए अजहर निकलता मुड्ढा करीब करा, फिर से अंदर के मुड्ढे पे पतंग उतार रहे हैं, धीरे धीरे नीचे कर रहे हैं। आशु भी पतंग को ऊपर कर रहे हैं, दोनों पतंग के बराबर निकलता मुड्ढा अजहर ने बनाया, सीधा गद्दा मारा, देखता दिखा के ताकत से झटके मार दिए। तो ऊपर से अजहर भाई अपना दूसरा पेड़ लाते हुए बुला लिया है A1 लखनऊ के मेंबर को नीचे से, और लाला पहुंच गए हैं नीचे के पेज के लिए। तो अजहर भाई का होगा दूसरा पेज, 350 मीटर की रेंज होगी। नीचे से लाला जगह लेते जा रहे हैं, ऊपर से अजहर भाई अंदर का मुड्ढा बनाया, धीरे धीरे अपनी पतंग की रेंज को कम करते हुए अंदर के मुड्ढे पर लगातार उतारते हुए लाला ने पट पर खाली कराया। अजहर भाई ने भी अपनी पतंग को उठाया, टेढ़ा करा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लाला नीचे से, लेकिन हवा जो है राइट हैंड की तरफ ही दबी है, तो बड़े आराम से अजहर भाई अपनी पतंग को चला रहे हैं हवा की चीज़ से। बीच में ही अपनी पतंग का मुड्ढा बना रहे हैं, थोड़ा सा गर्दन की तरफ बढ़ते हुए नीचे बहुत ज़्यादा पेज आ गया, गर्दन के पास अजहर भाई पहुँचे, उसी को ताकत से बलिया भारत, लाला ने भी ताकत से खींचा, और ये पेज लाला ने अजहर भाई को काट के अपना एक पेज पूरा कर लिया है A1 लखनऊ के लिए। तो नीचे से जगह लेते हुए लाला अपने दूसरे पेज के लिए, ऊपर से हिप्पी भाई आ गए हैं अपनी पतंग को बीचों बीच में उतारते हुए, थोड़ा सा फटाव कम करके बीच में अपनी पतंग को थोड़ा सा बढ़ करके अब की बार रख रहे हैं। लाला अपनी पतंग को चमकाते हुए 250 मीटर पर पेज हो रहा होगा, ज़्यादा रेंज नहीं है, क्रॉस मुंडा बनाया हिप्पी भाई ने, उसी को ताकत से मारते हुए पतंग सीधी भाग दिया, फिर से लाला ने खींचा और ये पेज काट के अपने दो पेज पूरे कर लिए A1 लखनऊ के लिए। नीचे से लाला जगह लेते हुए, ऊपर से जावेद भाई आ गए हैं तीसरा पेज रोकने के लिए लाला को, A1 लखनऊ के मेंबर को, तो देखते हैं अब की बार कौन काटेगा। नीचे से जगह लेते हुए पेज सही की आवाज़ दी, पेज सही, लाला नीचे से 350 मीटर पे अंदर की तरफ जगह लेते चले जा रहे हैं, थोड़ा सा गर्दन की तरफ भगाते हुए अपनी पतंग को ऊपर ऊपर करते हुए जावेद भाई आकाश दिल्ली के मेंबर। और आज के गेम की अपडेट जो है हम 3 बजे आपको बताएंगे किसके पास कितने टिकट है, और जो साइड में गेम कॉल लड़ रहा है परदेसी का, शेर पंजाब दिल्ली और इंडियन का, उसकी भी अपडेट देते हैं। नीचे से जगह लेते चले जा रहे हैं लाला लगातार, और जावेद भाई भी अपनी पतंग को थोड़ा ऊपर ही ऊपर बाहर की तरफ निकालते हुए जगह लेते हुए थोड़ा सा गर्दन की तरफ बढ़ते हुए, पेज सही चल रहा है। लाला अंदर के मुड्ढे पे पतंग ऊंचा करते हुए थोड़ी सी पतंग की डोर निकालते हुए अंदर के मुड्ढे पे जावेद भाई और पीछे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, फटाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से हैं जावेद भाई, अंदर के मुड्ढे पे कोई जल्दबाजी नहीं, तीसरा पेज है लाला का और जगह लिए हुए हैं। आपकी बार फिर से अंदर के मुड्ढे पे पतंग उतार रहे हैं, फिर से ताने हुए हैं जावेद भाई, और रेंज जो है काफ़ी कम हो रही है, थोड़ा सा पीछे पड़ जाते हैं जिससे दोनों पतंगें आप सही से देख सकें। अंदर के मुड्ढे पे लगातार उतरते हुए रेंज कम होती चली जा रही है बहुत ज़्यादा, 200 मीटर की रेंज रह गई होगी। फ्रेंड्स, जावेद भाई अपनी पतंग को कम करते हुए थोड़ा गर्दन के पास बढ़े, भारी पतंग लग रही है जावेद भाई की, लेकिन देखते हैं कैसे लड़ाएंगे। रेंज कम होती चली जा रही है, निकलता हूँ मुड्ढा बनाया, पट पे थोड़ा खाली कराया, तीसरा पेज है लाला के लिए, काफ़ी नीचे पेज आ गया है, जावेद भाई जाने नहीं दे रहे हैं, गर्दन के बाद अपनी भारी पतंग को बनाए हुए हैं। लाला पीछे की तरफ बढ़ते हुए रुके हुए हैं अभी इस टाइम, नीचे नीचे जगह लिए हुए लाला, जावेद भाई भी अपनी पतंग को ऊपर ही ऊपर टहलाते हुए गर्दन के पास धीरे धीरे मुड्ढा रख रहे हैं, लाला टेढ़ा कराए हुए हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, 2 मिनट हो गए इस पेज को। नीचे से जगह ले रखी, बीच में अपने पतंग का मुड्ढा बनाए हैं जावेद भाई, थोड़ा सा बाहर कर रहे हैं, थोड़ा सा अंदर कर रहे हैं, और ऊंचा बुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऊंचा आए तो गद्दा मार सके, क्योंकि नीचे बहुत है, ये देख सकते हैं पेज, आपको आगे फैक्ट्री की चिमनी दिख रही है, तो उससे आइडिया होगा कितना नीचे पेज है।
और नीचे नीचे जगह लेते चले आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा गर्दन के बाद अपनी पतंग को बनाए और ज़्यादा नीचे करके जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। जावेद भाई जाने नहीं दे रहे हैं, काफ़ी नीचे पेज आ गया। लालन और ज़्यादा जगह लेने की कोशिश करी एकदम गर्दन के पास, पतंग बहुत ज़्यादा रेंज कम हो गई है, अब तो लग रहा है 150 मीटर पे ही होगा। और लाला की पतंग थोड़ी बढ़ है, लेकिन अंदर के मुड्ढे पे अब जावेद भाई अपनी पतंग को उतार रहे हैं, लाला बढ़ कर रहे हैं, तो जावेद भाई अंदर के मुड्ढे पे पतंग को उतारते हुए और पीछे की तरफ भाग रहे हैं बचने के लिए। जावेद भाई अपनी पतंग को ऊपर से बनाए हुए हैं, बीच में मुड्ढा एकदम उतार रहे हैं, काफ़ी बड़ पतंग हो गई है लाला की, और मैदान के अंदर एकदम पतंग कटेगी, कटते ही हम आपको दिखाएंगे जो पकड़ेगा। लाला की पतंग काफ़ी बड़ है, बीच में अपनी पतंग का मुड्ढा उतारा, रोका, रोक के चुस्सियों पर लेके अंदर की तरफ थपकियां मारी, लेकिन कट गए बाहर की तरफ। लाला ने ताका से खींच दिया और जावेद भाई ये पेच कट गए, और ये देखिए ये पतंग जावेद भाई की, देखिए मैदान के अंदर ही, ये देखिए आगे लड़के हैं उन्होंने पकड़ ली। तो 3 पेज हो गए हैं लाला के A1 लखनऊ के लिए, तो अब देखते हैं चौथा पेज कौन लड़ाएगा आकाश दिल्ली की तरफ से। तो चौथा पेज रोकने के लिए आ गए हैं मिराज भाई, आकाश दिल्ली के मेंबर और बढ़िया प्लेयर हैं, टेक्निकल प्लेयर हैं, कुछ भी कर सकते हैं पेज पे। आकाश दिल्ली के मिराज भाई देखने वाला पेज होगा, नीचे से लाला जगह लिए हुए हैं और ऊपर से मिराज भाई अपनी पतंग को बनाए हुए हैं, थोड़ा सा गर्दन तब भारी पतंग को लेके बढ़ते हुए बीच में मुड्ढा बना रहे हैं, धीरे धीरे पतंग को नीचे कर रहे हैं, थोड़ा सा फिर से बाहर की तरफ निकालते हुए थोड़ा सा गर्दन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। लाला टेढ़ा करा के जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे अपनी पतंग को नीचे करते हुए मिराज भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गर्दन के तरफ अपनी पतंग को बनाए हुए हैं। ये रहे हमारे मिराज भाई, मिराज भाई आज तीसरा दिन है, अब तो बता दीजिए कौन सी जड़ी बूटी। जैसा मैंने बताया था बढ़िया प्लेयर, बढ़िया टेक्निकल तजुर्बेकार प्लेयर हैं आकाश दिल्ली की ओर से लड़ा रहे हैं, हमारे भाई मिराज के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो कुणाल भाई नीचे के लिए अब जा रहे हैं और अपना दूसरा पेज लड़ाएंगे, मिराज भाई बुला लिया है नीचे से A1 लखनऊ के मेंबर जी, 100-150 गज का, लेकिन बढ़िया पेज आपने लाला को अंदर की थपकते हुए बढ़िया पेज काट दिया। तो चलते हैं दूसरे पेज पे भाई मिराज के, मिराज भाई पीछे जा रहे हैं, ऊपर से ही लड़ाएंगे लेकिन अब की बार अजहर भाई लड़ाएंगे। तो ये देखिए अजहर भाई आ गए हैं और मिराज भाई पीछे की तरफ हटते हुए, तो नीचे से कुणाल भाई रहेंगे और ऊपर का पेड़ लड़ाते हुए अजहर भाई। ये बढ़िया पेज अजहर भाई ने ताकत वाला खींच के काटा है कुणाल भाई को, कैप्टन A1 लखनऊ। तो चलते हैं अजहर भाई के अब दूसरे पेज पे, ऊपर से लड़ा रहे हैं और बुला रहे हैं नीचे से A1 लखनऊ के मेंबरों को। तो अब की बार आशु भाई बढ़ते हुए नीचे के पेज के लिए, हमारे पास थोड़ी है मैदान, नहीं ऊपर लाओ अपनी पट्टी से भाई। तो ऊपर से अजहर भाई लड़ाएंगे अपना दूसरा पेज आकाश दिल्ली के लिए और नीचे से पहुंच गए हैं आशु A1 लखनऊ के मेंबर। धीरे धीरे अपनी पतंग का मुड्ढा उतारते हुए अजहर भाई और 350 से 400 मीटर के करीब रेंज होगी, नीचे से जगह लेते जा रहे हैं। अजहर भाई की पतंग थोड़ी सी बढ़ है, ताका से जगह लेते हुए आशु A1 लखनऊ के लिए सही की आवाज़ दी, पेज सही हो गया, काफ़ी दूरी पर पतंग है लेकिन पेज सही। अंदर के मुड्ढे पर खींचते हुए नीचे नीचे आशु भाई और अपनी पतंग को उतारने में अजहर भाई, पेज सही चल रहा है। अंदर के मुड्ढे पे अजहर भाई भी अपनी पतंग को उतार रहे हैं, निकलता हूँ मुड्ढा दोनों लोगों ने बनाया, फिर से काफ़ी दूरी अंदर की तरफ जगह लेते जा रहे हैं टेढ़ा कराने की कोशिश, और राइट हैंड की तरफ हवा काफ़ी दबी हुई है जिधर A1 लखनऊ के मेंबर खड़े हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं और पीछे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं आशु, सीधा मुड्ढा अपनी पतंग को उतार रहे हैं, अंदर की तरफ अपनी पतंग को उतारते हुए अजहर भाई ऊँचा ऊँचा नीचे से जगह लेते हुए पतंग को ऊंचा करते जा रहे हैं। अजहर भाई ने अपनी पतंग को थोड़ा सा नीचे करा, करीब करा गर्दन की तरफ बढ़ते हुए, लेकिन अभी थोड़ा बाहर की तरफ निकालते हुए, और आशु भाई पीछे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, दिखा देते हैं हम आपको एक बार, ये देखिए पीछे की तरफ लगातार एक एक कदम बढ़ते चले जा रहे हैं, साथ में है दानिश भाई, ये देखिए पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं और मुड्ढा जो है अंदर का ही बनाए हुए हैं और ऊँचा करते चले जा रहे हैं।
काफी दूरी से निकलता हूँ मुड्ढा अजहर भाई ने बनाया उसी को ताकत हमारा पतंग अजहर भाई की सीधी हुई भारी दफा आशु भी खींचने पट पे जा रही है। आशु की पतंग भी भारी दफा राउंड होने लग गई थी और ये पेज अंदर के मुड्ढा ताकत से मारते हुए लगातार अजहर भाई ने काट के अपने दो पेज पूरे कर लिए हैं आकाश डेली के लिए। पेज सही हो गया नीचे से लाला ऊपर से अजहर भाई अपना तीसरा पेज लड़ा रहे हैं और बहुत ही टक्कर का गेम लड़ रहा है दोनों के बीच में, कोई किसी से कम नहीं। ये हिसाब है एक तरफ गेम लग रहा है A1 की तरफ हो रहा है फिर एक तरफ लगता है कि आकाश डेली की तरफ। 3 बजे देखते हैं कौन किसके कितने टिकट दबा पाता है। नीचे से लाला जगह लेते जा रहे हैं ऊपर से तीसरे पेज के लिए थोड़ा सा बीच में अपनी पतंग को चलाते हुए उतार रहे हैं। फिर बाहर का मुड्ढा लिया अजहर भाई ने नीचे से जगह लेते चले जा रहे हैं अंदर के मुड्ढे पर ताकत से। लाला की पतंग थोड़ी सी कम है अजहर भाई की पतंग से और नीचे नीचे देख सकते हैं जगह लेते हुए धीरे धीरे अजहर भाई भी अपनी पतंग को निकलता हुआ बना रहे हैं। करीब करा उसी को ताकत से भरा रुके करीब करके डबल करी लाला भी रुक गए डबल का मुड्ढा नहीं खींचा फिर से जगह ले रहे हैं। काफ़ी करीब कर लिया था अजहर भाई ने पतंग को कोई काट काट नहीं हुई नीचे नीचे जगह लेते जा रहे हैं। हर एक पेज बहुत ही सोच समझ के लड़ाया जा रहा है दोनों टीमों की ओर से। लाला नीचे जगह लिए हुए हैं थोड़ा सा अजहर भाई अपनी पतंग को बढ़ करते हुए ऊपर से हुए दोबारा से धीरे धीरे मुड्ढे अपना उतारते हुए लाला नीचे से जगह लेते जा रहे हैं। रेंज 300 मीटर की होगी या थोड़ी कम है उससे भी ऊंचा करते जा रहे हैं नीचे से अपना मुड्ढा। लाला गर्दन की तरफ अपनी पतंग को लेकर पहुंचे अजहर भाई पतंग को चमकाते हुए कोई जल्दबाजी नहीं पतंग को चमकाते रहे लाला टेढ़ा कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अजहर भाई गर्दन के बाद अपनी पतंग को बनाया थोड़ी सी अजहर भाई की पतंग बढ़ है क्रॉस मुड्ढा बनाया करीब करके फिर से दोनों लोग पतंग को चमका रहे हैं अंदर के मुड्ढे पर लाला पतंग की जगह ले रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं काफ़ी करीब है जबकि मामला दोनों का लेकिन दोनों लोग करीब ला के पतंग को हटा ले रहे हैं। लाला कम कराते कराते नीचे नीचे जगह लेते चले आ रहे हैं। अजहर भाई की पतंग कम से कम 10 से 12 मीटर बढ़ होगी लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं करीब तो दोनों लोग कर रहे हैं लेकिन पहल नहीं करना चाह रहा कोई। नीचे से जगह लेते हुए लाला ऊपर से अंदर के मुड्ढे पर अब थोड़ा सा जगह ले रहे हैं बीच में आ रहे हैं फिर से पहुंचे बाहर की तरफ मुड्ढा बनाया धीरे धीरे उसी मुड्ढे को उतारा क्रॉस मुड्ढा जा रहा लाला ने बाहर का मुड्ढा बनाया रोका पतंग को चमका चमका फिर से बाहर की तरफ खींचा सीधा गद्दा मारा अजहर ने और ये पेज अजहर भाई कट गए। तो एक पेज हो गया है लाला का A1 लखनऊ के लिए। तो एक बार फिर से मिराज भाई अपनी भारी पतंग को लेकर पहुँच गए हैं लाला को काटने के लिए। लाला का नीचे से दूसरा पेज जगह बनाए हुए लाला थोड़ा सा ऊंचा करके मुड्ढा दे रहे हैं। मिराज भाई अपनी पतंग को चलाते हुए बीचों बीच में पेज सही चल रहा है बाहर की तरफ अपनी पतंग को निकालते हुए रुके रुके फिर से बीच में मुड्ढा उतारते हुए अंदर के मुड्ढे पे पतंग उतारा फिर से रुक गए पतंग को ऊंचा करा कोनी करा के जगह लिए हुए लाला लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं थोड़ा सा बाहर की तरफ पतंग को निकालते हुए गर्दन की तरफ पहुँचे रुके रुके अंदर की तरफ मुड्ढा सीधा उतार ताकत से थपके हमारी भाग फिर से खींच रहे थे और फिर से सेम पेज बराबर। तो देखने में लग रहा होगा कि दो पेज एक बार दिखे लेकिन सेम तरीके से एक बार पहले भी ऐसे ही हुआ मिराज भाई और लाला के बीच में और फिर से वही पेज एकदम डिट्टो वही पेज हो गया है आज के दिन सेम और दोनों की पतंगें बराबर पे चली गई। ऊपर से फिर से आ गए एक बार मिराज भाई आकाश डेली के लिए और नीचे से आशु अपना दूसरा पेज लाएंगे साथ में दानिश चरखी दिखाते हुए ये बड़े आशु ब्लैक टी शर्ट चलते पेज पर और रेंज है करीब 550 की ये दोनों पतंगें लगी हैं। यहाँ से थोड़ा सा सॉरी फ्रेंड ये वाली दो पतंगे हैं काफ़ी पेज पे कई पतंगे हैं थोड़ा सा जूम आउट करते हैं यहाँ से और ये दोनों पतंगे हैं जगह लेते हुए और ये देखिए जगह लेने के लिए जा ही रहे थे आशु कि मिराज भाई की पतंग टूट गई काफ़ी रेंज में भारी पतंग उड़ा के गए थे मिराज भाई आकाश डेली के। तो पेज सही नहीं हुआ अब दूसरी पतंग आती है तो फिर कंटिन्यू करते हैं। पेज सही हो गया रेंज होगी 600 मीटर नीचे से दूसरे पेज के लिए जगह लेते हुए आशु और ऊपर से हिप्पी भाई आ गए हैं अंदर की तरफ जगह लेते जा रहे हैं काफ़ी रेंज है और ताकत से खींचते जा रहे हैं हिप्पी भाई लगता है आपकी बार हिप्पी भाई आकाश डेली के लिए रेंज कम करके लड़ाएंगे अंदर के मुड्ढे पे ताकत से खींचते हुए आशु ने बाहर का मुड्ढा बनाया उसी को ताकत से खींचते हुए झोल काटने की पूरी कोशिश बाहर की तरफ जा रही थी रुक गए आगे वाली एक पतंग और है हिप्पी भाई पतंग ऐसा ना उससे कट जाए दोबारा पट पे करा रेंज अभी भी बहुत ज़्यादा है अपनी पतंग को अंदर के मुड्ढे पर उतारते हुए 400 मीटर की रेंज होगी बीचों बीच अपनी पतंग को उतारा बाहर के मुड्ढे पर फिर से खींचते हुए आशु रुके रुक के फिर से बाहर के मुड्ढे खींच रहे हैं अंदर के मुड्ढे पर हिप्पी भाई भी खींच रहे हैं कोई काट काट नहीं हुई थोड़ा सा पॉट पे कर रहा है निकलता हुआ मुड्ढा हिप्पी भाई ने ताकत से बनाया भाग दब आशु ने भी मुड्ढा बनाया दोनों लोग अपनी ताकत से खींचते हुए अंदर तक पतंग आई भाग दब खींचते हुए आशु ने ये पेज काट दिया हिप्पी भाई को और दो पेज अपने पूरे कर लिए A1 लखनऊ के लिए। तो फ्रेंड जिस पतंग से अभी आशु भाई ने काटा वो पतंग अंदर की थी खिंचवाई गई तो अंदर लिख ली तो कुणाल भाई ने आके अपने हाथ में पतंग दे दी आशु भाई को दूसरी तो अब दूसरी पतंग से आशु भाई कंटिन्यू करेंगे बाकी पेज कुछ बीच में से सद्दी वद्दी कम कर रहे हैं टून अपना बदल रहे हैं तो वाली पतंग हटा दी थी तो आशु भाई अपनी दूसरी पतंग से पहला पे लड़ा रहे हैं और ऊपर से अजहर भाई मुड्ढा रखते हुए आकाश डेली के लिए
रेंज में पतंग लड़ रही है, 500 मीटर की रेंज होगी। धीरे धीरे अपनी पतंग का मुंडा उतारते हुए अजहर भाई और बाहर के मुंडे पे ताकत से खींचते हुए आशु, रेंज काफ़ी ज़्यादा है। धीरे धीरे अजहर भाई पतंग को कम करा रहे हैं। निकलता हूँ, मुंडा बनाया, रोका, करीब करके फिर से अंदर का मुंडा बनाया। 400 मीटर की रेंज होगी। अंदर के मुंडे पे धीरे धीरे अजहर भाई खींचते जा रहे हैं पतंग को, चलाया आशु ने। निकलता हूँ, मुंडा बनाया, रोका, निकलता हूँ, अजहर भाई ने बनाया, बाहर की तरफ खींच रहे हैं आशु भी। क्रॉस पट पे जा रहा आशु का मुंडा, डबल होती है पतंग जा रही है अजहर भाई के, दोनों लोग ताकत से खींचते हुए। और ये पेज पूरा पट पे खींच के आशु ने काट दिया और तो आशु दूसरा पेज लड़ा रहे हैं और जगह लेते आ रहे हैं। ऊपर से आ गए हैं मिराज भाई आकाश दिल्ली के लिए। ताकत से आशु अंदर के मुंडे पे खींचते हुए काफ़ी भारी पतंग फिर से मिराज भाई लेके आए हैं। इससे पहले वाली पतंग जो लेके पहुंचे थे आपने देखा था, सही होने से पहले ही टूट गई थी। धीरे धीरे अपनी पतंग को थोड़ा सा बाहर निकालते हुए मुड्ढा रख रहे हैं मिराज भाई। आशु ने अपनी पतंग को बाहर निकाला, दोनों पतंगें बराबर हैं और अभी भी रेंज कम से कम 400-425 मीटर की है। ताकत से आशु जगह लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मिराज भाई गर्दन की तरफ बने हुए हैं, बाहर की तरफ अपनी पतंग को ताकत से निकालते हुए। आशु ने पतंग को चमकाया, रोके हैं, अभी भी चमका रहे हैं, चमका रहे, क्रॉस पट पे ताकत से खींचा और तुरंत ये काट काट हो गई और दो पेज अपने आशु ने पूरे कर लिए A1 लखनऊ के लिए। तो फ्रेंड्स गेम यहाँ पे बंद हो रहा है, अभी बहुत टाइम बचा था, अभी 3:30 भी नहीं बचा। 3:30 बजे आपको टिकट की अपडेट देनी थी, क्या रीज़न है चल के पता करते हैं। और जिस तरह से मुझे लग रहा है एक पतंग तनी हुई थी आकाश दिल्ली की ओर से जो कि फेरी नहीं गई, और डंपी भाई ने कहा जो आपकी पतंग उड़ी उसी को फेरिए। और आशु भाई यहाँ 3 पेज पतंग काट के खड़े हुए थे और 600 मीटर पर पतंग लगी हुई थी और दूसरी पतंग बढ़ के जा रही थी, तो लग रहा है डंपी भाई ने गेम बंद करने के लिए कहा है। लेकिन उम्मीद है कि बातचीत होके गेम फिर से दोबारा कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि अभी 3:15 बजा है, खाली अभी बहुत टाइम बाकी है और शाम के समय का ही गेम ज़्यादा बढ़िया होता है। तो चल के देखते हैं टीम के पास, बात करते हैं क्या बात है। तो दोनों टीमों के पास चलते हैं और पता करते हैं 3:15 बजे ये पतंग को क्यों बंद कर रही है दोनों टीमें। और ये देखिए काफ़ी भीड़ भी है, काफ़ी स्पेक्टेटर भी बैठे हैं, देखने वाले आए थे क्योंकि बहुत ही टक्कर का ख़तरनाक गेम चल रहा था दोनों के बीच में। और इधर सारे मेंबर भी हैं, और इधर देखिए स्पीड के भी मेंबर हैं, नईम भाई भी हैं, आलोक भी हैं, काफ़ी लोग हैं। तो इधर भी कुणाल भाई, कैप्टन से ही बात करें। कैप्टन ये कुणाल भाई क्या हो गया, गेम क्यों बंद कर रहे हैं? 4 पेज काट चुका है आशु जी, 700 की रेंज में लड़ रहा है जी। उन्होंने कहा आगे लड़ाएंगे, 600-700 तो लड़ ली नहीं जी जी। हाँ पतंग मीडियम तनी हुई है, उसको हटा के दूसरी पतंग उड़ा के जा रहे हैं। अच्छा, जबकि ये बात होगी तो उड़ी हुई लड़ेगी। अभी अगर यही मेरा साथ होता तो क्या ये करते ऐसा मौके पे? तो ये कहना है कैप्टन का, दूसरी टीम से भी बात कर ले, एक पतंग तनी हुई थी उसको नहीं फेरा गया। जब अगले से कहा गया कि भाई उड़ी लड़ाई है तो कहने आप उतार लीजिए। कोई बात नहीं भाई, कोई बात होती है, वो पतंग जो उड़ी वो लड़ाई है, आप कह रहे उतार लीजिए तो उतार लो भाई। देखिए फैजान उस्ताद भी आ रहे हैं और 9 टिकट अभी आपके पास है, टिकट हमारे पास है, 9 टिकट है, 3:15 बजे का टाइम है, 9 टिकट है। इधर फैजान उस्ताद भी आ रहे हैं, चलते हैं दूसरी टीम के पास भी बात करते हैं क्या बात है। सही बता रहे, कोई गलत नहीं बताया। तो इधर हमारे अजहर भाई भी हैं। कुणाल भाई आपकी तरफ से अगर पतंग नहीं होती यार, फैजान भाई मुझे एक चीज बताइए, ये कहीं होता है ये बताओ तुम, जो कहीं मैं बात बताऊंगा। अरे मैंने इनसे ये कहा कि पतंग जो हमने रेंज से लाई है जब काटेंगे, जब पतंग लाएंगे। मेरे भाई यार कितने रेंज की लाती है बताओ अजहर भाई, 500 पे लड़े तो वो 600 पे तो लड़ा ही रहा यार, बताइए यार। अरे बड़े भाई आपने कहा कि फंस के लड़ेगी, खिसके नहीं लड़ेगी। अब उसने पतंग उस साफ चढ़ाई है, वो खेच किस पे कटवा भाई, उड़ा के रखो तो ना अजहर भाई यार, उड़ा के भाई 5-7 मिनट की अगर देरी हो गई उसमें कोई परेशानी नहीं, तो पतंग तो हमारी उसके बाद 3 उड़ाती है, हमने 3 पतंग रखी है यार। भाई भाई सलीम भाई ने बात यहां से करके बताओ कुणाल भाई, एक मिनट कुणाल भाई अब ये बताओ कि आपकी तरफ से अगर देरी होगी तो हम आपसे कहेंगे वो पतंग फेर दो यार, क्यों नहीं कहोगे भाई? नहीं हमारी आप कहोगे पक्का हमारी लड़ रही है 100% कहोगे हमारी पतंग आपके पास माशाल्लाह मेंबर यही के सब है, हम 5 ही मेंबर तो ये तो देखो आपकी बात से सहमत है, आप 3 पतंग उड़ा रहे हैं। भाई भाई अब उड़ाने यार, तुम 5 भी उड़ा सकते हो माशाल्लाह, तो आप मेंबर या हैं उड़ाने वाले, मेरा सिर्फ ये कहने मतलब आपकी बात भी रखी जा रही है, हर चीज हो रहा है सब चीज सही है, हम ये नहीं कहेंगे कि भाई बंद कर दीजिए। हमने यार ये क्या करा, नहीं नहीं आपने कहा भाई आ जाओ पूछो
इधर देखो उनकी तरफ देखो, यही लड़ेगी तो लड़ेगी। हाँ लड़ेगी। हमने कहा भाई उतार लो पतंग, बंद कर दो। बंद का मतलब क्या है भाई? तुम आए हो यार लड़ाने, एक बार पहली बार थोड़ी लड़ रहा है यार। चलो फोन पर हमेशा लौटा लौटा रहेगा आगे, इसी मामले बंद ना करो। पहले मैं आवाज मेरी पतंग भी नहीं है। अरे मैं, अरे छोड़ो मेरी, वो कोई बात ही नहीं यार, कोई इसके पतंग का थोड़ी नहीं लेना भाई। पतंग अगर दूर की होगी तो उसको छोड़ना पड़ेगा। लड़ाई लड़ाई मेरी बात तो जैसे मैंने कहा था कि बातचीत हो गई, फिर से गेम लड़ेगा। तो आशु भाई अपनी पतंग को फिर से लेते हुए तीन पेच काट चुके थे और सहमति हो गई है, बातचीत हो गई फिर से और लड़ेगा फिर से, पतंग कंटिन्यू होगी। और हिप्पी भाई ऊपर के पेच के लिए बढ़ते हुए और नीचे से आशु भाई अपने पतंग से लड़ाएंगे चौथा पेच A1 लखनऊ के लिए। तो बातचीत से सब कुछ हो सकता है, बहसबाजी या गाली गलौज से कुछ नहीं होता है। तो बातचीत हुई, थोड़ा सा समझाया गया, हमारे उस्ताद भी फैजान उस्ताद और डंपी भाई, तो सभी लोग की सहमति से, काफ़ी लोग भी हैं यहाँ, स्पेक्टेटर भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो सब शौक देखने आए हैं। शौक नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे एक टीम और लड़ रही है, शेर ए पंजाब, लेकिन गेम जो तगड़ा लड़ रहा है वो लड़ रहा है A1 लखनऊ वर्सेस आकाश दिल्ली। तो उड़ेगी पतंग, कोई ऐसी बात नहीं। और एक बार हम लोग चल के बात कर लेते हैं आकाश दिल्ली की ओर भी, क्या कहना है उनका। तो ये रहा हमारे कैप्टन नासिर भाई। तो नासिर भाई आपका भी क्या कहना है, आप दो शब्द कह सकते हैं। मैंने ये पतंग दूर थी जी, मैंने इनसे पहले दे दिया 8 नंबर का पर्चा ले हुआ जी, मैंने भाई दूर थी उड़वा दो आप जी, मैं दूर लड़ाऊंगा भाई, हमने काट दिया तो। अच्छा, अब कहते नहीं जी पेज तट दिया हमारा जी, कहते ये दूर वाली फेरो आप। अच्छा। मैं फेर दूंगा छोटे पे। नहीं नहीं सही बात, नहीं बताइए मुझे आप। नहीं नहीं आपने देखिए दोनों लोगों की बातें जो थी वो आपने सुन ली, और लेकिन सहमति से डिसाइड हो गया फिर से कंटिन्यू पतंग लड़ेगी। हमारे जावेद भाई भी पतंग तैयार कर रहे हैं, सलमान भाई भी, और ये रहे हमारे अजहर भाई भी रील की पतंग छोड़ते हुए। अजहर भाई गुस्सा तो नहीं, बहुत टक्कर का गेम चल रहा है। चलिए बात की सहमति, हाँ मैनेज हो गया, तो बढ़िया गेम लड़ने जा रहा, फिर से कंटिन्यू होगा। हमारे फैजान उस्ताद ने सुलह करा दी और लड़ेगा फिर से गेम। तो गेम फिर से स्टार्ट, और नीचे से अपना चौथा पे लड़ाते हुए आशु A1 लखनऊ के लिए, ऊपर से हिप्पी भाई, 550 मीटर की रेंज होगी, बीच में अपनी पतंग को बनाए काफ़ी ऊंचे आसमान पर रोके हुए हैं और काफ़ी खड़ा करके अंदर की तरफ जगह लेते जा रहे हैं पतंग से। आशु भाई A1 लखनऊ के लिए थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालते हुए अपनी पतंग को और रेंज को थोड़ा सा कम करा रहे हैं अंदर के मुड्ढे पे, फिर से पतंग को उतारते हुए थोड़ा सा रेंज कम करें, काफ़ी ऊपर आसमान में ताकत से खींचते हुए रेंज को कम कर रहे हैं। आशु भाई भी अंदर के मुड्ढे पे पतंग को खींचते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी अच्छी खासी रेंज है। थोड़ा सा बाहर की तरफ पतंग को लाते हुए अंदर के मुड्ढे पे आशु पतंग को खींचते हुए एकदम आसमान में पतंग लड़ रही है, लेकिन हिप्पी भाई अभी मुड्ढा नहीं रख रहे हैं, थोड़ा सा रेंज को अभी भी हिप्पी भाई कम करा रहे हैं। देखते हैं कितना कम करा के रखते हैं, लेकिन 350 मीटर की रेंज पे आ गई है पतंग हिप्पी भाई की, और आशु भाई की पतंग थोड़ी सी बढ़ है और एक पतंग लंबे होकर जा रही है जिसके लिए डिस्टर्ब हो रहा है। अंदर के मुड्ढे पे लगातार खींचते हुए हिप्पी भाई फटाव बना रहे हैं, एकदम बराबर बढ़ते जा रहे हैं। आशु पीछे बढ़ रहे हैं, हिप्पी भाई आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह का पेज लड़ रहा है। आशु अपनी पतंग को बाहर की तरफ निकालते हुए लगातार ताकत से खींचते हुए हिप्पी भाई पतंग को 350 मीटर की रेंज में करीब करीब ले आए, उससे भी थोड़ा सा कम हो रहा है। अंदर के मुड्ढे पे लगातार उतरते हुए और ये वाला पेज हो जाए, फिर हम आपको टिकट की अपडेट देते हैं और दूसरी टीम जो लड़ रही है उसकी टिकट की अपडेट भी देते हैं। सीधा मुड्ढा उतारा हिप्पी भाई ने, करीब करके रोका, अंदर के मुड्ढे उतार रहे हैं ताकत से, मुड्ढा भरा भाई, तब आशु ने भी खींचा, दोनों लोग खींचते हुए थपकियों पे पेज आया और बढ़िया पेज अंदर की तरफ पूरा खींच के ये पेज हिप्पी भाई ने आशु को काट के रोक लिया चौथे पेज पे। तो एक पेज हो गया हिप्पी भाई का आकाश दिल्ली के लिए। तो हिप्पी भाई पहुंच गए हैं नीचे आकाश दिल्ली के लिए लड़ाने के लिए अपना दूसरा पेज, और गौरव भाई अभी सुबह से एक भी पेज नहीं कटे, 3:30 बज रहा, उसी पतंग को रोके थे काफ़ी देर से ऊपर का पेज लड़ाने के लिए, झटके वाली अपनी भारी पतंग और लेके आ गए हैं गौरव भाई। हाथ चलाते हुए चलते हैं पेज पे, देखते हैं अब की बार इस पतंग से काट के कंटिन्यू करेंगे या फिर से किसी और को चांस देंगे। तो ये दोनों पतंगें लगी हैं ऊपर से, गौरव भाई पतंग का मुड्ढा रखते हुए 250 से 300 मीटर की रेंज, थोड़ी कम हो गई है फिर से रेंज, और दूर की पतंगें भी बढ़ गई हैं दोनों की टीमों की ओर से, जिसमें डिसाइड हुआ है कि फंसा के पेज को लड़ाया जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा, भी दूर वाले जब पेज होंगे। नीचे से जगह लेते जा रहे हैं हिप्पी भाई, ऊपर से गौरव भाई, सही की आवाज़ दी, थोड़ा सा ऊँचा करके मुड्ढा दिया, रोके हुए हैं बाहर की तरफ अपनी पतंग को निकालते हुए, फिर से अंदर का मुड्ढा बनाया, बीच में अपनी पतंग को लगाएं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। गेंद का पेज है, देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर का पेज और आगे की तरफ बढ़ना, तो सबके अपनी अपनी स्टाइल, अपने अपने पेज, देखते हैं अब की बार कौन काटेगा। सल्लक आगे की तरफ बढ़ते जा रहे लोग, ताकत से खींचते हैं, पीछे बढ़ते हैं, गौरव भाई पतंग को करीब करके आगे की तरफ बढ़ते हैं, अभी भी लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए अभी भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, देख सकते हैं ऊपर का पेज है जबकि इनका,
फिर से आते हैं इधर और अंदर के मुठ्ठे पे लगातार अपनी पतंग उतारते हुए बाहर की तरफ खींचा ताका से अंदर की तरफ दिखा के फिर से जाकर से झटके मार रहे हैं और दोनों लोग थपकियां मार रहे हैं पीछे की तरफ भागते हुए गौरव भाई और पट पे जा रही है हिप्पी भाई की पतंग और फिर से उठाई अपनी पतंग गौरव भाई ने और ये पेज कट गए हिप्पी भाई तो काट दिया। कंटिन्यू करेंगे अब देखते हैं इस पतंग को या किसी और को चांस देंगे तो काट के ये देखिए लाला को चांस दे दी है गौरव भाई ने। चौथा पेज इन्होंने इस पतंग से काटा है अभी एक भी पेज नहीं कटे आज के दिन गौरव भाई। लाला बढ़ते हुए नीचे के पेज के लिए और ऊपर का पेज देखते हैं कौन लड़ाएगा। सलमान भाई तो पतंग तैयार कर रहे हैं और जावेद भाई लगता लड़ाएंगे। जावेद भाई के हाथ में पतंग है तो ये बैठे हैं कैप्टन आकाश काइट क्लब दिल्ली के। नासिर भाई टिकट की क्या अपडेट चल रही है कुछ बता दीजिए। नौ पर्चे गए हुए हैं हाँ, अच्छा नौ पर्चे गए हुए हैं। चलिए ये अभी 3:30 बजे की अपडेट है 5 बजे हम फिर आपको अपडेट देंगे। ये हमारे मिराज भाई पतंग को तैयार करते हुए अजहर भाई पतंग को तैयार कर रहे हैं और चलते हैं पेज पे। जावेद भाई लड़ा रहे हैं ऊपर का पेज और नीचे से पहुंच गए हैं लाला। तो ऊपर से पतंग का मुड्ढा रखते हुए अजहर भाई और नीचे से लाला लड़ा रहे अपना दूसरा पेज। 300 मीटर की रेंज लाला नीचे से जगह लेते हुए लगातार और थोड़ी सी पतंग बढ़ है अजहर भाई की। बीच में मुड्ढा बनाए हुए हैं अजहर भाई थोड़ा सा अंदर की तरफ पतंग को ले जाते हुए ऊपर ऊपर बाहर की तरफ पतंग को निकाला बाहर की तरफ धीरे धीरे अपनी पतंग को लेकर आ रहे हैं। लाला की पतंग काफ़ी ज़्यादा कम है और कम करा के अंदर की तरफ जगह ले रहे हैं थोड़ा सा नीचे पेज हो रहा है और ज़्यादा नीचे कराया पट पे खाली कराया काफ़ी नीचे पेज आ गया है। और अजहर भाई की डोर फेंकी है टूटी नहीं है डोर फेंकी चकमा देने की कोशिश बढ़िया चकमा देने की कोशिश थी एक आवाज़ भी मारी गई A1 की टीम की ओर से लेकिन पेज अभी सही चल रहा है। धोखा खाने से पहले बचे लाला दोनों लोग अपनी पतंग की डोर निकालते हुए लाला भी थोड़ी सी पतंग को लंबे कर रहे हैं ऊपर से अजहर भी पतंग को लंबे कर रहे हैं और बीच में अपनी पतंग को बनाए हुए हैं पेज सही चल रहा है। नीचे से लाला जगह लिए हुए हैं बीच में अपनी पतंग को बनाए हुए हैं पतंग को चमकाते हुए कोई जल्दबाजी नहीं। लाला का दूसरा पेज अजहर भाई ऊपर से रोकने के लिए आए हैं आकाश दिल्ली की ओर से ताकत से जगह लेते चले जा रहे हैं धीरे धीरे पतंग का मुड्ढा उठा रहे हैं अपनी पतंग को अजहर भाई ताने हुए हैं थोड़ा सा बढ़ करे हुए हैं अजहर भाई अपनी पतंग को। लाला अंदर के मुड्ढे पे पतंग को चलाते हुए टेढ़ा कराए हुए हैं उसी जगह पे अपनी पतंग को चला रहे हैं और थोड़ी सी पतंग लाला की कम है अजहर भाई की पतंग से। अजहर भाई अपनी पतंग को चमकाते हुए लाला ज़्यादा से ज़्यादा और जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं और कम से कम 10-15 मीटर बढ़ है अजहर भाई की पतंग निकलता हुआ मुड्ढा अजहर भाई ने बनाया थोड़ा फट पे करके फिर से खाली करा लिया काफ़ी नीचे पेज आ गया है देख सकते हैं फैक्ट्री एक्ट्री सब आपको दिख रही होगी। सीधा पतंग खींची लाला ने अंदर के मुड्ढे पे पतंग बनाया उसी को ताकत से खींचते हुए रुक नहीं रहे डबल होती पतंग अजहर भाई की और ये पेज लाला ने अजहर भाई को काट के अपने 2 पेज पूरे कर लिए A1 लखनऊ के लिए। तो एक बार फिर से आकाश दिल्ली के लिए हमारे मिराज भाई टेक्निकल प्लेयर और जितने भी पेज हुए भाई के लाला भाई से दोनों पतंगे पेज पे बराबर से चली गई लेकिन अब की बार जो पतंग हाथ में है मिराज भाई के वो थोड़ी हल्की है तो देखने वाला होगा कि किस तरह से लड़ाएंगे लाला से पेज। 2 पेज सेम तरीके से सेम वीडियो आपको लगी होगी लेकिन जगह और लोकेशन आप देख सकते हैं थोड़ा सा चेंज था दोनों पेज में एक पेज थोड़ा सा नीचे था। अब की बार देखते हैं क्या होगा लाला मिराज भाई और मिराज भाई अब की बार थोड़ी सी हल्की पतंग लंबे फरमे की लेके पहुँचे हैं नीचे से लाला लड़ाएंगे अपना 3रा पेज। ऊपर से मिराज भाई नीचे से लाला 3रा पेज लड़ाते हुए A1 लखनऊ के लिए सही की आवाज़ दी पेज सही हो गया। ऊपर से मिराज भाई थोड़ा बाहर की तरफ अपनी पतंग को निकालते हुए और जिस तरह से पतंग बाहर निकली है लग रहा है कि मिराज भाई की पतंग थोड़ी सी बाहर की है पेज पे देखते हैं क्या काम करेगी बाहर की पतंग। नीचे से जगह लेते चले आ रहे हैं लाला और बाहर की तरफ ही अपनी पतंग को बनाए हुए हैं मिराज भाई थोड़ा सा बढ़ करके गर्दन की तरफ वापस से अंदर की तरफ मुड्ढा बनाया बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए मिराज भाई ताकत से लाला जगह लेते चले जा रहे हैं ऊंचा करते जा रहे हैं मुड्ढा। मिराज भाई ने करीब करा करीब करके रोका रोक के फिर से मुड्ढा बनाया उसी को ताकत से मार रहे हैं अंदर की तरफ पतंग मिराज भाई की घूम के आ रही बाहर की तरफ खींचा है लाला ने और अब की बार ये काट दिया मिराज भाई को 3 पेज अपने पूरे कर लिए A1 लखनऊ के लिए। तो चौथा पेज रोकने के लिए आ गए हिप्पी भाई आकाश दिल्ली की तरफ से और नीचे से लाला लड़ा रहे हैं कंटिन्यू कर रहे हैं अपना 4th पेज देखते हैं पूरा कर पाएंगे या हिप्पी भाई रोक लेंगे आकाश दिल्ली के मेंबर। इससे पहले आशु भाई को भी एक पेज पे रोका था 4th पे अब की बार देखते हैं थोड़ा सा भारी पतंग है हिप्पी भाई की अंदर की तरफ जगह लेते जा रहे हैं लाला और पीछे की तरफ बढ़ते हुए फटाव बहुत ज़्यादा बना रहे हैं ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फटाव बना रहे हैं पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं और हिप्पी भाई अपनी पतंग को अंदर के मुड्ढे पे लगातार उतारते हुए रेंज काफ़ी कम हो गई है निकलता हुआ मुड्ढा हिप्पी भाई ने बनाया रोका रोक के अंदर की तरफ ताकत से मुड्ढा बनाया उसी को ताकत से मारते आ रहे हैं पतंग को चला रहे हैं तेज झटके मारे लाला ने और ये पेज काट के अपने 4 पेज पूरे कर लिए A1 लखनऊ के लिए।
इधर हमारे सारे सीनियर एक्सपीरियंस प्लेयर गेम का मजा लेते हुए। ये रहा मैं वसीम भाई, और ये वसीम भाई वाले हैं दिल्ली में जो चरखी बनाते हैं और ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं। वसीम भाई आपकी टिकट की क्या अपडेट चल रही है? 15-16 टिकट है। पहली पतंग से कितने पेज काट दिए थे? 5 काट दिए थे। तो फ्रेंड्स हमने बताया था 4-5 पेज हो गए लगातार, फरहान भाई बने हुए थे बढ़िया, इन्होंने 5 पेज काटे थे। और ये पूरी टीम है, उधर इंडियन काइट क्लब है जावेद भाई का, जहर भाई का, और बढ़िया गेम लड़ रहा है। लेकिन 3:30 बजे अपडेट आपने सुन ली, 15 टिकट अभी भी दाब रखे हैं शेर ए पंजाब दिल्ली ने इंडियन लखनऊ काइट क्लब के। एक सत्ता भी हो गया था, ये हमारे डमरू भाई हैं दिल्ली शेर ए पंजाब के, इन्होंने काट दिया। देखा स्टीकर वाली पतंग थी क्या? नहीं थी। तो बढ़िया गेम लड़ रहा है इधर भी। ये रहा हमारे बादशाह भाई। बादशाह भाई कितने पेज काट के आ रहे हैं? पहला पर्चा। चलिए तो चलते हैं वापस अपने गेम पे और देखते हैं कौन काटेगा। लाला का है 5वां पेज, A1 लगना है। तो ऊपर से अजहर भाई और नीचे से लाला अपना 5वां पेज लड़ाते हुए सही हो गया है, और उम्मीद है ताकत वाला पेज लड़ेगा, कुछ ज़्यादा ही ताकत का पेज लड़ेगा यहाँ पे। नीचे से लाला जगह लेते जा रहे हैं, अजहर भाई अपनी पतंग को ऊपर ही ऊपर रोके हुए हैं, धीरे धीरे अपनी पतंग को अंदर के मुड्ढे को उतारते हुए 200 मीटर की रेंज होगी। लाला पटाव बना रहे हैं, धीरे धीरे अपनी पतंग को कम करके अंदर के मुड्ढे पर उतरते जा रहे हैं। काफ़ी नीचे पेज आ गया, लाला अपनी पतंग को चमका रहे हैं, अंदर के मुड्ढे पर रोका, रोक के पतंग को चलाया, और ये देखिए बड़ा गजब का खूबसूरत पेज, चलाते चलाते पतंग को हाथों से बढ़िया पेज अजहर भाई ने लाला को काट के रोक लिया 5वें पेज पे आकाश दिल्ली के लिए। एक बार फिर से गौरव भाई ऊपर से आ गए हैं, अपना 5वां पेज लड़ाएंगे भारी पतंग से, और नीचे से मिराज भाई पहुंच गए, तो देखने वाला पेज होगा। मिराज भाई कुछ भी कर देते हैं, एकदम से मुड्ढा पलट भी देते हैं, खींच भी देते हैं, तो देखते हैं अब की बार क्या झटके मारते हुए अपनी इस पतंग से रोकते रोकते 5वां पेज पूरा करेंगे या फिर मिराज भाई काट देंगे। धीरे धीरे अपनी पतंग को उतारते हुए 350 मीटर की रेंज, पेज अभी सही नहीं हुआ है, अंदर के मुड्ढे पे जगह लेते हुए नीचे से जगह लेते जा रहे हैं, थोड़ा सा मुड्ढा ऊपर करके मिराज भाई, और मिराज भाई की फिर से अब की बार हल्की पतंग है, सही की आवाज़ दे दी, पेज सही हो गया, नीचे से जगह ले रहे हैं, आगे एक पतंग है उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, ज़्यादा जगह नहीं ले पा रहे हैं, भारी पतंग को निकाला मिराज भाई अपनी पतंग को, गौरव भाई देखिए गैया भी हका रहे हैं हमारे गौरव भाई, और आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये देखिए आगे गई हैं, उसको हकाते भी जा रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, फिर सेम तरीके से भी लड़ाते हुए ऊपर का पेज आगे की तरफ चलते चले जा रहे हैं, और फिर एकदम से मुड्ढा मिला के ताकत से झटकते हुए भागते हैं, नीचे से जगह लिए हुए हैं मिराज भाई आकाश दिल्ली के लिए, ऊपर से गौरव भाई थोड़ा बाहर की तरफ पतंग को निकाले, ज़्यादा अंदर की तरफ जाके मुड्ढा नहीं रख रहे हैं, ताकत से जगह लेते हुए मिराज भाई अंदर का मुड्ढा बनाया, गौरव भाई ने काफ़ी दूर से बीच की तरफ अब चले जा रहे हैं, गौरव भाई अपनी पतंग को उतारते हुए और अभी भी लगातार आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, बीचों बीच में अपनी पतंग का मुड्ढा बनाया मिराज भाई अपनी पतंग को बाहर की तरफ खींचते हुए, गौरव भाई आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, मिराज भाई ने थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड्ढा दिखाया, गौरव भाई ने अपनी पतंग की रेंज को कम करा, बीच में पतंग को बनाए हुए हैं, मिराज भाई अंदर की तरफ जगह लेते हुए रेंज काफ़ी कम हो गई है, 250 मीटर की रेंज, सीधा मुड्ढा गौरव भाई ने अंदर की तरफ उतारा, भाई तो मिराज भाई खींचने ताकत से झटके मार रहे हैं, अब की बार उतार ही रहे थे गौरव भाई, और ये पेज कट गए। तो कुछ करने से पहले मिराज भाई ने ये पेज काटा और रोका गौरव को इस पतंग से 5वां पेज काटने से, एक पेज हो गया है मिराज भाई का आकाश दिल्ली के लिए। तो ऊपर से आ गए हैं आशु भाई और नीचे से मिराज भाई अपना दूसरा पेज लड़ा रहे हैं आकाश दिल्ली के लिए, 350 मीटर की रेंज होगी, आशु भाई अपनी पतंग की रेंज को थोड़ा सा बढ़ाते हुए सही के लिए कहा है, पेज अभी सही नहीं हुआ, लेकिन नीचे से जगह लेते जा रहे हैं मिराज भाई और ऊपर से अपनी पतंग का मुड्ढा रखे हैं, थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ निकालते हुए पतंग को चमका रहे हैं काफ़ी ऊंचाई पे, मिराज भाई अपनी पतंग को ऊँचा करते जा रहे हैं और नीचे से टेढ़ा करा के जगह लिए हुए हैं, अंदर का मुड्ढा बनाया आशु भाई ने, धीरे धीरे पतंग को उतार रहे हैं ऊपर ही ऊपर अंदर की तरफ अपनी पतंग को खींचते हुए, पतंग को चमका रहे हैं, थोड़ा सा ऊंचा करके बुला रहे हैं मिराज भाई को अंदर के मुड्ढे पे, मिराज भाई अपनी पतंग को ऊंचा करते चले आ रहे हैं, आशु रोके हुए हैं, अंदर का मुड्ढा फिर से बनाया, धीरे धीरे अपनी पतंग को आशु करीब कर रहे हैं, निकलता हुआ मुड्ढा काफ़ी दूर से बनाया, करीब करा, फिर से चमकाया, सीधा मुड्ढा बनाया, रोके हुए मिराज भाई ने थोड़ा सा नीचे कराया, बाहर की तरफ खींचा, रोके अंदर की तरफ मिराज भाई ने ताकत खींचा, निकलता हुआ आशु ने भी ताकत से बनाया और आशु ये पेज कट गए। तो बढ़िया पेज मिराज भाई ने ताकत वाला काटा और 2 पेज अपने पूरे कर लिए आकाश दिल्ली के लिए। तो भाई मिराज ने 2 पेज काटे थे लेकिन पतंग हल्की सी अंदर है तो चांस ले ली है अब अजहर भाई ने नीचे के पेज के लिए, और A1 की ओर से आ गए हैं A1 के कैप्टन कुणाल भाई, नीचे से लड़ा रहे हैं अजहर भाई, ऊपर से लड़ा रहे हैं कुणाल भाई, और दोनों के बीच में है ये पहला पेज,
देखते हैं कौन काटेगा और कितनी तेज़ कुणाल भाई खींचेंगे या झटकेंगे। 400 मीटर की रेंज में पेज लड़ रहा है, कैप्टन है ये A1 काइट क्लब के, मुड्ढा बनाया उन्होंने निकलता हुआ, उसी को ताकत से भर लिया हुआ। ये देखिए ताकत से खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं और ये काट दिया पेज, तो बढ़िया पेज काट दिया अजहर भाई को और एक पेज पूरा कर लिया। देखते हैं खुद लड़ाएंगे, किसी और को चांस देंगे। तो लाला को चांस दे रहे हैं, ये लाला आगे की तरफ बढ़ते हुए दानी चरखी दिखा रहा है। तो मिराज भाई ने अपनी पतंग सही करवाई और लगता है ऊपर का पेज भी लड़ाएंगे, नीचे से लाला बढ़ रहे हैं। और ये देखिए काफ़ी दूर पे गए थे सही करने के लिए हिप्पी भाई, आकाश दिल्ली के मेंबर, और नीचे के पेज के लिए कुणाल भाई ने काटा अभी और चांस दे दी है लाला को। लाला नीचे के पेज के लिए बढ़ते हुए, तो फिर से एक बार होगा मिराज भाई और लाला के बीच का पेज। तो गेम में चेंज फ्रेंड्स, और मिराज भाई ने अपनी पतंग दे दी हिप्पी भाई के हाथ में, सही करने के बाद पतंग हाथ में ले ली है और नीचे से लाला पेज सही हो गया है। देखते हैं किस रेंज में पेज लड़ेगा, 350 मीटर की रेंज में पतंगे हैं दोनों अभी। अंदर के मुड्ढे पे हिप्पी भाई अपनी पतंग को उतारते हुए पेज सही चल रहा है, लाला ने ऊंचा करके दिया, पट करके खाली करा रहे हैं, धीरे धीरे नीचे ले जा रहे हैं। हिप्पी भाई की पतंग थोड़ी सी बढ़ है, बीच में अपनी पतंग उतार रहे हैं अंदर की तरफ, हिप्पी भाई जगह लेते हुए ऊपर से, लाला थोड़ी सी पतंग को बाहर की तरफ खींचते जा रहे हैं ऊपर ही ऊपर, अंदर की तरफ जगह लेते हुए रेंज को थोड़ा सा कम कराते हुए हिप्पी भाई, आकाश दिल्ली के मेंबर, और नीचे से लाला भी लेकिन जगह लेते जा रहे हैं। अंदर के मुड्ढे पे हिप्पी भाई पतंग को धीरे धीरे कम करते हुए और लाला अपनी पतंग को बाहर की तरफ खींच रहे हैं, फिर से अंदर की तरफ जगह लेते हुए बीच में अपनी पतंग को लेकर आए हिप्पी भाई, चलाते जाते कम कर रहे हैं, लाला फटाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर के मुड्ढे पे हिप्पी भाई उतरते जा रहे हैं ताकत से खींचते हुए, और लाला ने डोर फेंकी, काट काट नहीं हुई है, बट पे फिर से खींच रहे हैं हिप्पी भाई की पतंग काफ़ी कम, बाहर तब लाला ने फिर से खींचा, अंदर तब फिर से मुड्ढा बनाया, रेंज काफ़ी कम करके ले आए हैं, 200 मीटर पर पेज आ गया है। लाला नीचे से जगह लिए हुए हैं, ऊपर से हिप्पी भाई पतंग को थोड़ा सा बढ़ाते हुए रोके हुए हैं, ज़्यादा ऊँचा पेज नहीं लड़ रहा है, लाला अपनी पतंग को थोड़ा सा बढ़ करके लड़ा रहे हैं। लाला की पतंग कम से कम 20 मीटर बढ़ होगी हिप्पी भाई की पतंग से। हिप्पी भाई ने निकलता हूँ मुड्ढा बनाया, काफ़ी पतंग कम कर ली, निकलता हूँ डाना, करीब करा करीब करके सीधा करता ताकत से हमारा भाग, तब लाला ने खींचा और ताकत भरने से पहले हिप्पी भाई की पतंग कट गई। तो एक पेज हो गया है लाला का A1 काइट क्लब लखनऊ के लिए। हेमन भाई साई काइट एम्पोरियम लखनऊ में काफ़ी फेमस, तो हेमन भाई कहाँ कवर कर रहे हैं, किधर गए हुए थे? गिन्नी भाई, अच्छा गिन्नी भाई उधर, इंडियन वाला जो गेम चल रहा है, इंडियन और जावेद भाई इंडियन क्लब का, उसका गेम हो रहा था शेर ए पंजाब से। क्या चल रहा है उधर हेमन भाई? है, टिकट है, 10 टिकट है दिल्ली के पास, दिल्ली के पास शेर ए पंजाब, शेर ए पंजाब के पास। और तो कवरिंग उसी साइड की हो रही है आज हेमन भाई? कवरिंग क्या है, उनसे वो आज अच्छा मुलाकात है, 20 साल से जो है थोड़े बहुत ताल्लुकात है, ताल्लुकात, पेज भी अच्छे हो रहे हैं, बढ़िया इंसान है हमारे हेमन भाई। और साई काइट एम्पोरियम करके इनकी सेंटर भी है जो अपने घर से रन करते हैं, कॉन्टेक्ट करके आपको सारी चीज़ें जो भी है मटेरियल प्रोवाइड करा सकते हैं हमारे हेमन भाई, काफ़ी पुराने शॉपकीपर हैं। कितना साल हो गए हेमन भाई? 14 साल हो गए, देखिए काफ़ी लंबा टाइम है ऐसा। हेमन भाई अपना नंबर बता दीजिए एक बार। 8090000309 ये नंबर है हेमन भाई का, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे तो सभी के पास इनका नंबर है, लेकिन जो नहीं जानते वो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ऊपर के पेज के लिए फिर से आ गए अजहर भाई, और नीचे से हैं लाला, होने वाला है ताकत का पेज। नीचे से जगह लेते हुए लाला अपने दूसरे पेज के लिए, और ऊपर से अजहर भाई आ गए, ताकत का पेज होगा। थोड़ा सा बाहर की तरफ पतंग को निकालते हुए, पतंग थोड़ी सी बढ़ है, अंदर के मुड्ढे पे फिर से पतंग को लेते हुए नीचे से जगह लेते जा रहे हैं लाला, टेढ़ा कराने की कोशिश कर रहे हैं, राइट हैंड की तरफ ही हवा दबी है। थोड़ा बाहर की तरफ पतंग को निकाला, फिर से पतंग को ऊँचा करके कम करा रहे हैं, और थोड़ी सी पतंग अब लाला की बढ़ हो गई है अजहर भाई की पतंग से। अजहर भाई अपनी पतंग को बीचों बीच में लेके आए, लाला नीचे से जगह लेते चले जा रहे हैं, बीच में अपनी पतंग को उतारा, लाला की पतंग काफ़ी बढ़ पट पे खींचते जा रहे हैं, दोनों लोग काफ़ी नीचे आए, नीचे पेज हो गया। बाहर तब लाला ने मुड्ढा बनाया, अंदर तब अजहर भाई ने खींचा, रोके रोके फिर से बाहर तब खींचा, तेज तेज झटके मारे, अजहर भाई अपनी पतंग को उठा ले गए, रेंज कम हो गई है 200 मीटर पे पेज। पतंग को ऊपर ही ऊपर अपनी लंबे करते हुए, और लाला अपनी पतंग को थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ निकालते हुए, बहुत ही सोच समझ के जितने भी पेज हुए, बड़ी टक्कर वाले और सोच समझ के हुए, कोई मतलब ऐसा पेज नहीं था कि बड़े आराम से काट लिया जाए एक दूसरे को। ऊपर से अजहर भाई निकलता हूँ मुड्ढा बना रहे हैं, धीरे धीरे पतंग को करीब कर रहे हैं, अजहर भाई की पतंग थोड़ी सी कम है लाला की पतंग से, सही चल रहा है पेज, पेज अभी कैंसिल नहीं हुआ, दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर अपनी पतंग को लंबे कर रहे हैं। अजहर भाई थोड़ा सा और ऊँचे ले गए, लंबे करते करते अपनी पतंग को, फिर से मुड्ढा बना रहे हैं निकलता हुआ,
बाहर का मुड्ढा बनाया, धीरे धीरे करीब कर रहे हैं पतंग को, निकलता बनाया, करीब करके लाया, अंदर का मुड्ढा फिर से बनाया, बाहर का लालन खींचा, अंदर के मुड्ढे भी ताकत से खींच दिया आजर भाई ने, और ये पेड़ लाला कट गए। और फिर से एक बार चांस दे दिए मिराज भाई को, मिराज भाई की पतंग अंदर होने की वजह से मिराज भाई को हटना पड़ा था। बढ़िया पतंग ला रहे हैं आकाश डेली की हुए, अब की बार देखते हैं नीचे से जा रहे हैं कितने और पेज काटेंगे अपनी इस पतंग से। तो ऊपर से फिर से आ गए हैं कुणाल भाई एवन के लिए, देखते हैं काट के किसी को चांस दे पाएंगे या फिर मिराज भाई काटेंगे और अपनी पतंग कंटिन्यू लड़ाएंगे आकाश डेली के लिए। ऊपर से अंदर की तरफ मुड्ढा रखते हुए काफ़ी ज़्यादा हवा दबती चली जा रही है एवन क्लब की तरफ। नीचे से मिराज भाई जगह लिए हुए हैं, बीचों बीच में अपनी पतंग का मुड्ढा बनाया, अंदर के मुड्ढे पे पतंग को ताकत से खींचते हुए पतंग कुणाल भाई की थोड़ी सी बाहर की लग रही है। मिराज भाई ने बाहर की तरफ पतंग को निकाला, फिर से अंदर की तरफ जगह लेते हुए अंदर के मुड्ढे पे खींचते हुए कुणाल भाई अपनी पतंग को बीच में अपनी पतंग को उतार रहे हैं। मिराज भाई बाहर की तरफ पतंग को थोड़ा कर रहे हैं, बीचों बीच में अपनी पतंग को बनाते हुए निकलता मुड्ढा बनाया, उसी मुड्ढे को धीरे धीरे लेकर करीब करा। मिराज भाई ने ताकत से डबल हो रही थी पतंग, लेकिन उससे पहले अब की बार मिराज भाई ने कुछ करने से पहले काट दिया और एक पेज अपना पूरा कर लिया आकाश डेली के लिए। तो ऊपर से फिर से आ गए गौरव झटका अपनी दूसरी पतंग लेके, और आज के दिन की इनकी दूसरी पतंग है, सिर्फ एक पतंग अभी तक कटे हैं। और नीचे से मिराज भाई दूसरा पेज अपना ला रहे हैं आकाश डेली के लिए, और बढ़िया पतंग लड़ाई है आज के दिन के लिए। थोड़ी हल्की पतंग ली है बाहर की तरफ निकालते हुए, अपनी भारी पतंग को बीच में उतारते हुए थोड़ा सा लंबे कर रहे हैं और सेम पेज फटाव कम करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। गौरव भाई दिखा देते हैं, ये देखिए मिराज भाई की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं गौरव भाई आगे की तरफ। तो देखते हैं पेज तो अपना हिसाब से लड़ा रहे हैं, काट पाते हैं कि नहीं गौरव भाई लखनऊ एवन के लिए। और नीचे से मिराज भाई अपनी पतंग को कोनी करा के जगह लिए हुए हैं, भारी पतंग को बीचों बीच में बनाए हुए हैं गौरव भाई, लेकिन उतर नहीं रहे हैं अब की बार उस पर। मिराज भाई अंदर की तरफ अपनी पतंग को रोके हुए हैं, अंदर के मुड्ढे पे गौरव भाई ने पतंग को उतारा, सीधा उतारते चले आ रहे हैं करीब, ताकत भली उसी को ताकत से मारते लगे भाग दब, मिराज भाई ने खींचा और कट गया। अब की बार ताकत का पे लड़ा लिया भारी पतंग से गौरव भाई ने, और एक पेज अपना काट के पूरा कर लिया एवन लखनऊ के लिए। तो नीचे से पहुंच गए हैं जावेद भाई और गौरव भाई, अब लगता है कंटिन्यू मन बना लिया ऊपर से लगातार लड़ाने का और आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। पेज अभी सही नहीं हुआ है, सही की आवाज़ दी पेज सही, लगातार आगे की तरफ बढ़ते हुए गौरव भाई एवन के लिए। देखिए धीरे धीरे अपनी पतंग का मुड्ढा रखते हुए, और जावेद भाई की पतंग थोड़ी सी बड़ है, भारी पतंग का मुड्ढा रखते हुए बीच में ही पतंग को बनाए हुए हैं। 300 मीटर की रेंज होगी, जावेद भाई ने पतंग थोड़ा सा ऊंचा करा, हवा बहुत ज़्यादा दब गई है राइट हैंड की तरफ। अंदर के मुड्ढे पे पतंग को थोड़ा सा खींचते हुए जावेद भाई ने अपनी पतंग को ऊंचा करा, अंदर के मुड्ढे पे पतंग को उतारते जा रहे हैं। जावेद भाई ने ऊंचा करके डोर फेंकी, अंदर के मुड्ढे पे उतरते हुए ताकत से थपकिया मारी जावेद भाई ने भी, दोनों थपकते हुए बाहर के मुड्ढे पे थपकते हुए, और बढ़िया पेज ये देखिए अंदर बाहर के मुड्ढे पे थपकते हुए गौरव भाई ने फिर से काटा जावेद भाई। और नीचे से लाला ऊपर से अजहर, पेज सही की आवाज़ दी अजहर भाई ने, पेज सही, धीरे धीरे अपनी पतंग उतारते हुए। और अब की बार अजहर भाई भारी पतंग लेके आए हैं, तो देखते हैं भारी पतंग से क्या फंसा के रख लेंगे लाला को या फिर ताकत का ही पेज लड़ेगा। पेज सही, धीरे धीरे पतंग की रेंज को कम करते हुए अजहर भाई थोड़ा थोड़ा ऊपर खींच के लाला नीचे से जगह लिए हुए हैं और ज़्यादा टेढ़ा करा के जगह लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अजहर भाई ने देखे काफ़ी ज़्यादा ऊपर खींचा पतंग को, रेंज कम करी, धीरे धीरे रेंज को और ज़्यादा कम करते हुए भारी पतंग बाहर की तरफ निकालते हुए लाला टेढ़ा करा के जगह लिए हुए हैं। फिर से अंदर के मुड्ढे पे उतारे अजहर भाई ने पतंग, अब बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, लाला टेढ़ा करा के जगह लिए हुए हैं। अजहर भाई अपनी पतंग को गर्दन के पास ही बनाए हुए हैं, धीरे धीरे पतंग को उतारते चले जा रहे हैं। पतंग को चलाते हुए अजहर भाई और लाला ज़्यादा ज़्यादा जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं, और कम से कम 10-12 मीटर बढ़ है लाला की पतंग। करीब करा अजहर भाई ने, अंदर की तरफ उतारा, भारी पतंग है, देखते हैं खींचेंगे डबल करेंगे, डबल करने का मूड, लेकिन बाहर की तरफ खींचा लाला ने, पेज आया नहीं, करीब करके रोका एकदम, काफ़ी रेंज कम हो गई है। मैदान के अंदर पतंग सीधा गदा ताकत से अंदर की तरफ हमारा तेज झटके हमारे बाहर का, फिर लाला खींचे थे कट गए। बढ़िया पेज है, अजहर भाई ने लाला को काट दिया और एक पेज पूरा कर लिया आकाश डेली के लिए अपना। तो भारी पतंग उड़ाए हुए हैं अजहर भाई आकाश डेली के लिए, एक पेज काट चुके हैं और चलते हैं दूसरे पेज पे। और नीचे से बुला लिया है एवन के मेंबर को, आशु भाई पहुंच गए, नीचे से जगह लेते हुए आशु भाई, ऊपर से भारी पतंग का मुड्ढा रखते हुए अजहर भाई 350 मीटर की रेंज, धीरे धीरे अपनी भारी पतंग का मुड्ढा रखते हुए सही की आवाज़ दी आशु भाई, नीचे से जगह लेते चले जा रहे हैं। अजहर भाई थोड़ा सा बाहर की तरफ अपनी पतंग को निकालते हुए आशु भाई जगह लिया है, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया। आशु भाई काफ़ी ऊँचा करके एकदम मुड्ढा दे रहे हैं, नीचे नहीं कर रहे हैं पतंग को, काफ़ी खड़ी करके पतंग लड़ा रहे हैं। अंदर के मुड्ढे पे अजहर भाई अपनी पतंग को धीरे धीरे कम करते हुए उतार रहे हैं, पतंग को ऊपर ही ऊपर चमकाते हुए पतंग को थोड़ा सा बाहर करा, फिर से अंदर के मुड्ढा बनाया, अंदर के मुड्ढे पे लगातार उतारते हुए आशु की पतंग थोड़ी सी बड़ है, निकलता मुड्ढा अजहर भाई ने बनाया, करीब करा, खींचा नहीं उसको,
फिर से बाहर का मुड्डा बनाया, करीब करे हुए हैं एकदम आशू बाहर के मुड्डे पे अपनी पतंग को खींचते हुए, रेंज को कम करा रहे हैं। अजहर भाई की पतंग काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, आशू की पतंग थोड़ी सी बढ़ है अभी भी। अजहर भाई पतंग को कम करा और ये अजहर भाई की पतंग टूट गई, क्योंकि ये लगता है पहले वाले पेज का घाव था जो लाला को काटा था, उस पेज का घाव था और जैसे ही मुड्ढा बनाए थे उसी वक्त पतंग चली गई। और पेज मिल जाएगा आशू भाई को, एक पेज हो गया A1 काइट क्लब लखनऊ के लिए। तो अजहर भाई ने अपने हाथ में दूसरी पतंग ले ली है, नीचे से आशू ऊपर से फिर से अजहर भाई। थोड़ा सा ही रेंज में पेज है अब की बार 350 और अब की बार उतनी भारी पतंग नहीं है अजहर भाई की, जैसे पहले लड़ा रहे थे पेज पे टूटी थी। निकलता हुआ मुड्ढा अजहर भाई ने बनाया बीचों बीच में, उसी को ताकत से बढ़ते हुए जा रहा क्रॉस पे मुड्ढा अंदर की तरफ। आशू ने भी ताकत से खींचा, दोनों लोग ताकत से बनाते हुए इस पट पे गई दोनों की पतंगे और आशू ने यह पेज अब की बार काट दिया। तो फिर से आ गए हैं एक बार हमारे फिर आकाश दिल्ली के मिराज भाई। मिराज भाई दवा खाई, जड़ी बूटी खाई है, तो फिर से एक बढ़िया पेज देखने को मिलेगा आपको। चलते हैं पेज पे, नीचे से आशू लड़ाएंगे तीसरा पेज, ऊपर से हैं मिराज भाई आकाश दिल्ली के। नीचे से जगह लेते हुए आशू और ऊपर से मुड्ढा रखते हुए आकाश दिल्ली के लिए मिराज भाई जगह लेते जा रहे हैं। काफ़ी ऊँचा करके मुड्ढा दे रखा है आशू ने, धीरे धीरे अपनी पतंग को उतारते हुए मिराज भाई सही की आवाज़ दी, पेज अभी सही नहीं हुआ है। थोड़ा सा बाहर की तरफ पतंग निकालते हुए मिराज भाई अपनी धीरे धीरे अंदर के मुड्ढे पे पतंग उतारते हुए थोड़ा सा नीचे करा के सही कराना चाह रहे हैं, लेकिन पेज अभी सही नहीं है। और आशू भाई नीचे से जगह लेते जा रहे हैं, पेज सही हो गया। मिराज भाई ने सीधी पतंग उतारी, बाहर की तरफ खींचा आशू ने, दोनों दो ताका से खींच रहे हैं और बाहर की तरफ खींचते हुए आशू भाई ने ये मिराज भाई को पेज काट दिया। तो तीन पेज अपने पूरे कर लिए हैं A1 लखनऊ के लिए आशू भाई ने। तो फ्रेंड्स काफ़ी देर के बाद सलमान भाई आए हैं ऊपर का पेज लड़ाने के लिए, और चलते हैं सलमान भाई के पेज पे। नीचे से हैं आशू, तो ऊपर से सलमान भाई, नीचे से आशू भाई जगह लेने लग गए हैं, पेज अभी सही नहीं हुआ है। 450 मीटर की रेंज है, सलमान भाई वहीं पे मुड्ढा फेरते हुए धीरे धीरे अपनी पतंग उतार रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ करके अपनी पतंग को धीरे धीरे उतारते जा रहे हैं। सलमान भाई ऊपर से अंदर की तरफ पतंग को ताकत से खींचते हुए अंदर के मुड्ढे पे सलमान भाई अपनी पतंग को उतार रहे हैं आकाश दिल्ली के लिए। नीचे से आशू भाई जगह ले रहे हैं चौथे पेज के लिए A1 लखनऊ। सलमान भाई की पतंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ है और ऊपर से अंदर की तरफ ही पतंग को लेके जा रहे हैं और बढ़ बहुत ज़्यादा है सलमान भाई की पतंग। आशू भाई भी अपनी पतंग को नीचे से जगह लेते हुए अंदर की तरफ खींच रहे हैं और ऊँचा करते चले जा रहे हैं लगातार। थोड़ा सा बाहर निकाला, फिर से ऊपर से अंदर की तरफ सलमान भाई अपनी पतंग को खींचते हुए काफ़ी ऊँचा करके लड़ा रहे हैं आशू भाई। निकलता हुआ मुड्ढा सलमान भाई ने काफ़ी दूर से बनाया, आशू भाई रुके हुए हैं, बाहर का मुड्ढा बनाया रोका अंदर के मुड्ढे पे, फिर से सलमान भाई पहल करके खींच रहे हैं। आशू ने बाहर दब जाए से ही खींचा कट गए, बढ़िया पेज सलमान भाई ने काट दिया और एक पेज अपना पूरा कर लिया आकाश दिल्ली के लिए। और फ्रेंड्स ये देखिए और ज़्यादा स्पेक्टेटर शाम हो गई है बैठे हुए हैं, ये रहे गाजी के साहब भाई, आशू भाई, बाबू भाई, टिंकू भाई और भी मेंबर हैं, कुछ के नाम नहीं पता, अपने अपने नाम बता दिए। कमल कमल साहू कमल साहू कमल साहू हिम वाले। तो क्या क्या कहना है आज के गेम का? गेम बहुत मस्त लड़ रहा है, अभी थोड़ा टाइम बचा आधे घंटे का गेम देखने में, आज मजा आ रही है। कल मजा नहीं आई, कल भी बड़ा बढ़िया गेम हुआ था। मतलब फ्रेंड्स आपके लिए हो सकता है कि दो चार दिन पहले गेम पड़ा हो, बात हो रही है कल वाला जो गेम था वो स्पीड और आपने देखा था आकाश दिल्ली का, उसकी बात हो रही है। क्या कहना है उस वाले गेम के बारे में? आज ज्यादा मजा आ रही है, आज ज्यादा मजा आ रही है। तो नीचे के पेज के लिए जावेद भाई बढ़ रहे हैं आकाश दिल्ली की तरफ से और ऊपर के पेज के लिए उम्मीद है गौरव भाई लड़ाएंगे झटके मारते हुए। आज इनके दिन की दूसरी पतंग होगी, एक ही पेज अभी तक कटे हैं गौरव भाई। ये देखिए हमारी वीडियो ये बनाए दे रहे हैं, वाह रे वाह, कौन से चैनल पे जा रही है ये तो बताओ। ये आपके फैन है। अच्छा तो आशु भाई जी, ये हैं स्काई के मेंबर आशु भाई और ये है बाबू, दोनों ही आजकल रोज नहला काट रहे हैं। कुछ तय तो नहीं कि भाई सद्दी सुड़ाओ अपडेट कर दे, ऐसा कुछ नहीं? आजकल मेहनत कर रहे, आजकल मेहनत कर रहे हैं, ये बात सही है। जो मेहनत करेगा वो काटेगा और आगे बढ़ेगा। हमारे देखिए साहब भाई बिल्कुल मेहनत नहीं करते, कहते कौन काटे, नौ काटो, एक बार काटो तो काटो, नौ बार कौन काटे, इतना अच्छा लगता है। तो चलते हैं पेज पे, गौरव भाई आ गए और देखते हैं आपकी बार कौन काटेगा, जावेद भाई काटेंगे या फिर गौरव भाई फिर से काटेंगे और चांस देंगे किसी और को A1 लखनऊ के लिए। नीचे से जगह लेते हुए जावेद भाई, ऊपर से गौरव भाई, देखते हैं अब की बार काट के चांस दे पाते हैं किसी को कि नहीं। नीचे से जावेद भाई जगह लेते आ रहे हैं, सलमान भाई ने काट के चांस दिए आकाश दिल्ली के मेंबर जावेद भाई को, सही करा के गौरव भाई फिर से आगे की तरफ बढ़ते हुए लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और करीब जब पहुंच जाते हैं, जब उनको लगता है कि अब झटके काम करेंगे या खींच काम करेगी तभी रुकते हैं। देखिए
ये देख सकते हैं लगातार आगे की तरफ बढ़ते हुए अंदर के मुड्ढे पे अपनी पतंग को उतारते हुए 300 मीटर की रेंज थोड़ी सी कम होगी उससे। गर्दन के पास से अब की बार फेज लड़ रहा है और लग रहा है जावेद भाई भी भारी पतंग लेके आए हैं अब की बार। वो पतंग को कम करके लड़ा रहे हैं, बड़ पतंग नहीं मिली अब की बार। गौरव भाई को बीच में रख के झटके मारने के लिए पतंग उतारा अंदर की तो खा के जावेद भाई ने झटके मारे, गौरव भाई भी झटका मार रहे हैं, काट काट नहीं हुई। दोनों लोग थपकियों पे लड़ा रहे हैं बाहर की तरफ, फिर से कहा अंदर की तरफ जाकर फिर से थपकी पे पेज निकलता हूँ हमारा। गौरव भाई ने थपकी पे पेज लेकिन कट गए अब की बार गौरव भाई, तो बढ़िया पेज जावेद भाई ने काट दिया और एक पेज पूरा कर लिया अपना आकाश दिल्ली के लिए। और फ्रेंड्स इधर भी देखिए स्पीड के भी सब मेंबर हैं, आलोक भाई, तारूफ भाई और ये देखिए गाड़ी के पीछे निकलते हुए येलो टी शर्ट में समीर भाई, सारे मेंबर हैं गेम को देखने के लिए आए हुए हैं, मज़ा ले रहे हैं गेम का, बढ़िया गेम लड़ रहा है इधर हमारे फ्रेंड्स क्लब के। और ये देखिए हमारे डालीगंज काइट क्लब के आमिर और ज़हीर भाई, सभी लोग हैं गेम का मज़ा ले रहे हैं। और ऊपर के पेज के लिए अब की बार आ गए हैं बढ़ के आगे कुणाल भाई कैप्टन A1 लखनऊ के, चलते हैं पेज पे। ऊपर से आ गए हैं लाला और दूसरा पेज जावेद भाई से कुणाल भाई लड़ा थे और जैसे ही सही कहा सही होने के बाद पतंग टूट गई और दो पेज जावेद भाई ने अपने पूरे कर लिए। अब लाला लड़ा रहे हैं ऊपर का पेज, नीचे से भारी पतंग से जावेद भाई लड़ा रहे हैं, देखते हैं कितने और पेज काटेंगे। तीसरा पेज है जावेद भाई के लिए आकाश डेली, ऊपर से लाला A1 के मेंबर थोड़ा सा बीच में ले जाके अपनी पतंग को रख रहे हैं। बाहर की तरफ जावेद भाई ने दिखाया पट पे खींचा ताकत उसी पे मुड्ढा बनाया, बाहर की तरफ खींचे जा रहे हैं जावेद भाई, मुड्ढा रखने का जगह नहीं दे रहे हैं। लाला एकदम करीब करके रोके, रोक के बाहर की तरफ जैसे ही कुछ करने के लिए बस मुड्ढा पलटी रहे थे कि जावेद भाई ने ऊपर करा और लाला की ये पतंग तुरंत कट गई। तो तीन पेज अपने पूरे कर लिए आकाश डेली के लिए जावेद भाई ने। और इधर हंसी मजाक चल रहा है आकाश डेली की ओर, समीर भाई भी खड़े हुए हैं, बच्चा भाई भी हैं और मेंबर भी हैं और ये हमारे कैप्टन नासिर भाई। नासिर भाई क्लब का नाम बता दीजिए जम फिर चले जाए जल्दी, पेज हो रहे हैं ऊपर देखो क्लब। तो भैया हंसी मजाक चल रहा है। और मिराज भाई तो आज लास्ट डे का गेम है आज आपका? अच्छा लास्ट डे का, आज चले जाएंगे लौट जाएंगे वापस आज। और हमारे बच्चा भाई समीर भाई क्या कहना, कल के गेम की मजा आई थी? बहुत तगड़ा गेम लड़ा था कल, बहुत बढ़िया गेम, बहुत बढ़िया गेम लड़ा। और सलमान भाई ने काट के जावेद भाई को चांस दे रखी है और तीन पेज जावेद भाई ने काट दिया अपनी भारी पतंग से हिलाते हिलाते। अब की बार आशु भाई आ गए, चलते हैं जल्दी से पेज पे देखते हैं कौन काटेगा। नीचे से जगह लेते हुए जावेद भाई अपने चौथे पेज के लिए, ऊपर से आशु भाई बीच में पतंग को उतारते हुए बाहर की तरफ, फिर से जावेद भाई ने खींचा बीच में अपनी पतंग को बनाया रोका, गर्दन के पास पहुंचे आशु भाई रोके हैं बाहर की तरफ, जावेद भाई अपनी पतंग को दिखा रहे हैं बाहर की तरफ एकदम कंठी मार के रखा, देखते हैं पेज आया कि नहीं, भारी पतंग है जावेद भाई की, पेज आया नहीं। दोबारा से जगह लेते हुए 250 मीटर के करीब रेंज होगी, हवा धीरे धीरे डाउन होती जा रही है, निकलता हूँ मुड्ढा। आशु भाई ने काफ़ी दूर से बनाया, थोड़ा पट पे खाली कराया, पट पे जाके फिर से खाली कराया, काफ़ी नीचे पेज आ गया है, नीचे नीचे जगह लेते हुए जावेद भाई घेरे हुए हैं अंदर के मुड्ढे, ताकत से तैयार। तो डंपी भाई आ गए A1 की ओर से रोकने के लिए पांचवा पेज, देखते हैं क्या होगा। बढ़िया पतंग ला रहे हैं जावेद आकाश डेली के लिए, बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए, हल्की पतंग है डंपी भाई की भी, नीचे से जगह लेते जा रहे हैं जावेद भाई पांचवें पेज आकाश डेली के लिए। बाहर की तरफ फिर से जावेद भाई ने खींचा, फिर से अंदर की तरफ दिखाया, गर्दन की तरफ बढ़ते हुए डंपी भाई भी फिर से थोड़ा सा जगह ली लेकिन बाहर की तरफ निकाल लें अपनी पतंग को, गर्दन की तरफ ही बने हुए हैं। और जावेद भाई अपनी पतंग को नीचे नीचे चलाते हुए थोड़ा सा ऊँचा करके मुड्ढा दिया गर्दन की तरफ, डंपी भाई अपनी पतंग को लेकर जा रहे, सीधा उतरे अंदर की तरफ दिखा के तेज तेज झटके मारे, डोर निकाली डंपी भाई ने और बढ़िया पेज ये खूबसूरत पेज है कटा है और रोका है जावेद भाई को पाँचवें पेज पर A1 लखनऊ के लिए। तो फिर से एक बार सलमान भाई ऊपर के पेज के लिए और नीचे से पहुंच गए हैं कैप्टन कुणाल भाई A1 लखनऊ के, तो देखते हैं कौन काटेगा। दोनों का इस पतंग से होगा पहला पेज, 5 बजने वाले हैं, हम आपको अपडेट देते हैं किसके पास कितने टिकट हैं, कुछ तय होगा कि नहीं। नीचे से जगह लेते हुए थोड़ा पट करके सही कराने के लिए कहा, पेज सही हो गया, कुणाल भाई नीचे से जगह लेते जा रहे हैं, सलमान भाई की पतंग थोड़ी सी बढ़ है अंदर के मुड्ढे पे, सलमान भाई ने पतंग को उतारा, कुणाल भाई ने ऊंचा करके निकलता हुआ बनाया, उसी को ताकत से खींचते हुए निकलता हुआ बनाया सलमान भाई ने, दोनों लोग ताकत से खींचते हुए और कुणाल भाई ने यह पेज काट दिया सलमान भाई को और एक पेज पूरा कर लिया A1 लखनऊ के लिए। तो दूसरा पेज रोकने के लिए कुणाल भाई को आ गया हिप्पी भाई आकाश डेली के मेंबर, ऊपर से अंदर की तरफ मुड्ढा उतारते हुए, रेंज कम है 250 मीटर की रेंज पे पेज फेर रहा है, हवा डाउन हो रही है, अंदर के मुड्ढे पे जगह लेते जा रहे हैं कुणाल भाई फिर से काफ़ी ऊंचा करके एकदम मुड्ढा दे रहे हैं हिप्पी भाई अंदर के मुड्ढे पे पतंग को उतारते हुए, लगातार अंदर के मुड्ढे पे पतंग को उतार रहे हैं कुणाल भाई, अपनी पतंग को थोड़ा थोड़ा नीचे करा रहे हैं अपनी बार,
काफी नीचे पेज आ गया। दोनों पतंगे देख सकते हैं, बाहर का मुड्डा कुणाल भाई ने बनाया, करीब करके रोका, अंदर के मुड्डे पे फिर से उतार रहे हैं भाई, डोरों पर रख लिया, थपकियों पे पेज, निकलती हुई थपकी मारी लेकिन कट गए हिप्पी भाई, और ये थपकी मारते मारते काफी ऊंचे तक पीछे तक भागा, ये देखिए कहां खड़े तो काफी पीछे आ गए और पेज काट दिया। दो पेज अपने पूरे कर लिए हैं A1 लखनऊ के लिए, कुणाल भाई कैप्टन A1। तो कुछ तय हुआ है दूर के पेज का, 5:07 और डंपी भाई ने कुछ तय करा है कि पेज फर्स्ट के लड़ेगा दूर का तय हुआ है, दूर का यहाँ से लड़ती नहीं दूर की जी, तो दूर पे ये तय हुआ है कि 5-6 जगह पे पेज फर्स्ट के ही लड़ेगा। अच्छा फर्स्ट खींचना नहीं है, खींचना चलिए ठीक है, ये तय हुआ, अब देखते हैं कौन काटेगा पेज फंसाने वाले में। दोनों लोग सहमति हो, 5:07 है, दूर का पेज थोड़ा सा फंसा के बिना खींचे लड़ना है। तो 5 बज रहा है, टिकट की अपडेट ले लेते हैं, अब होने हैं दूर के पेज। कुणाल भाई कितने टिकट है, क्या टिकट है? 12 टिकट। तो 5 बजे A1 लखनऊ के पास दबे हुए हैं आकाश दिल्ली के 12 टिकट, और दूर का पेज कौन लाने जा रहा है? गौरव भाई जाएंगे, और गौरव झटका कहा करे, ओहो काफी मशहूर है गौरव झटका के नाम से। तो हमारे गौरव भाई बढ़ते हुए दूर के पेज के लिए, और देखते हैं मतलब 500 मीटर है लेकिन फंसा के लड़ेगा, 400-500 मीटर है लेकिन पेज खाली फंस के लड़ेगा। तो हमारे सलमान भाई लड़ाएंगे आकाश दिल्ली के लिए दूर का पेज, और उस्ताद अली नवाब जी की पतंग लेके पहुंचे हैं, बढ़िया गार्डदार पतंग है। और गौरव भाई कौन सी पतंग उड़ा रहे हैं ये तो नहीं पता चल पाया, लंबी थी इनकी पतंग पहले से, देखते हैं क्या होगा, और फंसा के लड़ना है खींचना नहीं है। तो देखते हैं कौन हल्का फुल्का थोड़ा बहुत बेईमानी करके खींचने की कोशिश करता है पेज पे। तो नीचे से जगह लेते हुए अपनी भारी गार्डदार पतंग से सलमान भाई आकाश दिल्ली के मेंबर, ऊपर से गौरव भाई गर्दन की तरफ बढ़ते हुए ताकत से जगह लेते जा रहे हैं सलमान भाई। रेंज में पतंग है, मतलब ज़्यादा रेंज नहीं है, अंधेरा भी हो रहा है लेकिन फिर भी 450-500 मीटर की रेंज होगी, पेज फंसाने की बात हुई है। नीचे से जगह लेते आ रहे हैं टेढ़ा कराने की कोशिश, थोड़ा सा बाहर का मुड्ढा निकाला, रोके हुए हैं, और पेज ज़्यादा ऊंचा नहीं है। यहाँ से देखिए नीचे करते हैं तो ये देख सकते हैं पतंग आपको दिख रही है, और नीचे जो छतें हैं फैक्ट्री है वो आपको दिख रही है। गौरव भाई अपनी पतंग की जो डोर है निकाल लें ऊपर ही, और काफ़ी तगड़ी पतंग गौरव भाई की भी लग रही है, देख सकते हैं चक्रगिन्नी बन रही है। पतंग को बाहर की तरफ खींचा, कोई जल्दबाजी नहीं, 5 बज रहे हैं और 12 टिकट अभी A1 लखनऊ के पास हैं, और गेम अभी कुछ ऐसा तय नहीं हुआ है, देखते हैं क्या होगा। बाहर की तरफ निकाल के एकदम कन्ने के पास से सलग फंसाने के मूड में है गौरव भाई, पेज फंसा नहीं है। फिर से अपनी पतंग को लंबे कर रहे हैं, हवा भी डाउन हो रही है, धीरे धीरे पतंगें बैठ रही हैं। नीचे से सलमान भाई जगह लेते जा रहे हैं, गौरव भाई भी अपनी पतंग को बीच में रखा, दोनों पतंगे बराबर हैं, थोड़ा सा ऊंचा करा, गौरव भाई अपनी पतंग को रोके हैं, धीरे धीरे पट पे ले जा रहे हैं, निकलता हूँ डब बनाया। सलमान भाई ने बाहर की तरफ लाए पतंग को, और डबल करते हुए चुस्कियों पे पेज आ गया है, चुस्कियाँ चल नहीं है, कोई काट काट नहीं हुई, चुस्कियाँ दोनों लोग निकाल रहे हैं, पतंग लटकी हुई है गौरव भाई की, और चुस्कियाँ मारते मारते ये गौरव भाई ने पेज काट दिया है सलमान भाई को, और पतंग उठा रहे हैं, और ये देखिए बढ़िया डोर थी सलमान भाई की भी, घाव खा गए थे, और ये गौरव भाई भी टूट गए। तो पेज लेकिन हो गया है, थोड़ा मीडियम रेंज, मीडियम भी नहीं है, छोटी रेंज में पतंग है। नीचे से साकिब पहुंच गए हैं, जिनको आपने इससे पहले A1 वाले गेम में देखा था, भारी पतंग लेके आए हैं मिराज भाई अपनी। कुछ ही पेज और होने, अंधेरा हो रहा है, सही की आवाज़ थी मिराज भाई ने, पेज सही हो गया। साकिब की पतंग काफ़ी हल्की पतंग है खींचने वाली, मिराज भाई भारी पतंग थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालते हुए अपनी भारी पतंग को, साकिब अंदर की तरफ ऊंचा करते चले आ रहे हैं नीचे से, मिराज भाई बाहर की तरफ सलग अपनी पतंग को निकालते हुए पीछे बढ़ते जा रहे हैं साकिब। मिराज भाई अपनी पतंग को रोके हुए हैं, चला रहे हैं अंदर की तरफ, मिराज भाई ने अपनी पतंग को तेज झटके मारे, भाग तब ताकत से झटके मार रहे हैं साकिब भी, और ये पेज काट गया, बढ़िया पेज काट दिया मिराज भाई ने, और एक पेज पूरा कर लिया आकाश दिल्ली के लिए अपना। तो डंपी भाई नीचे का पेज जा रहे थे मिराज भाई ने कहा था, लेकिन जावेद भाई ने रिक्वेस्ट करी कि डंपी भाई आप ऊपर चढ़ाओ हम नीचे चढ़ाते हैं। तो जावेद भाई जल्दी जल्दी अपनी पतंग को पार करते हुए नीचे के पेज के लिए बढ़ते हुए, और डंपी भाई लड़ाएंगे ऊपर से A1 के लिए। तो देखते हैं दोनों का इस पतंग से पहला पेज होगा कौन काटेगा। ये रहे हमारे फरहान भाई, और 5:05 है, शेरे पंजाब की भी अपडेट ले लेते हैं, आलोक भाई भी साथ में बने हुए हैं, आशु भाई भी हैं, गिन्नी भाई, दीपक भाई, अच्छा गिन्नी भाई, दीपक भाई, सभी लोग टी टाइम। तो क्या टिकट अपडेट चल रही गिन्नी भाई? हमारे पास 8 पर्चे हैं, 8 पर्चे और एक साथ काटा, दो साथ, अच्छा दो साथ, दूसरा साथ किसने? नहीं, डमरू,
एक सत्ता यहाँ से बड़ा, एक सत्ता वहाँ से। अच्छा एक सत्ता आपने काटा है, एक सत्ता उधर से पास। अच्छा एक सत्ता डमरू भाई ने काटा है और एक सत्ता उधर से किसने काट दिया? जहर भाई ने। तो बढ़िया गेम लड़ा है मतलब आज। तो अभी कुछ तय नहीं हुआ, अभी गेम लड़ रहा है, अभी गेम लड़ रहा है, अभी गेम लड़ रहा है। और इधर भी कुछ पेज हो रहे हैं। जावेद भाई ने रिक्वेस्ट करी थी डंपी भाई से, बादशाह भाई लड़ा रहे हैं। अच्छा बादशाह भाई, आपके बादशाह भाई लड़ा रहे हैं। इधर वाला पेज भी काफी देखिए नीचे नीचे चल रहा है। और इधर वाला पेज भी देखिए मैदान के अंदर लड़ रहा है। जावेद भाई ने डंपी भाई को ये पेज काट दिया यार, पतंग उड़ाओ। तो नीचे से जावेद भाई अपना दूसरा पे लड़ा रहे हैं, ऊपर से कुणाल आ गए हैं कैप्टन भाग। तब जावेद भाई सल्ला खींचते हुए निकलता मुंडा, कुणाल भाई ने अंदर की तब ताकत से खींचा, तेज थपकिया हमारी निकलती हुई थपकिया हमारी कुणाल भाई ने भी। और ये पेज जावेद भाई को काट के अपना एक पेज पूरा कर लिया A1 लखनऊ के लिए। तो अंधेरा हो रहा है, देखते हैं कुछ पेज तय हुआ है कि नहीं। 5:15 का टाइम है, A1 वर्सेस आकाश दिल्ली। एक तो नीचे से जगह लेते हुए लाला और ऊपर से मिराज भाई आ गए हैं। दोनों के बीच में काफ़ी टक्कर की पतंग लड़ी है लाला और मिराज भाई के बीच में। तो देखते हैं अब की बार ये वाला पेज कौन काटता है। भारी पतंग फिर से मिराज भाई लेके आए, नीचे से खींचने वाली पतंग लाला की। लाला नीचे से जगह लेते हुए धीरे धीरे अपनी पतंग को चमकाते हुए करीब कर रहे हैं मिराज भाई। अंदर का मुड्डा बनाया, लाला ने बाहर की तरफ फिर से खींचा, अंदर की तरफ थपकियाँ हमारी तेज तेज और लाला फिर से ये पेज कट गया। तो बढ़िया पेज आज मिराज भाई ने ज़्यादा से ज़्यादा काटे हैं लाला को, और गजब की बनाई। एक पेज फिर से कर लिया आकाश दिल्ली के लिए। मिराज भाई ऊपर लड़ा रहा था दूसरा पेज और नीचे से पहुँच गए हैं लड़ाने के लिए छोटू भाई। लालू के बड़े भाई हैं लेकिन नाम छोटू है। नीचे से जगह लेते हुए छोटू भाई, ऊपर से सीधी पतंग उतारी अपनी मिराज भाई ने। भारी पतंग का बढ़िया गेम लड़ाया है मिराज भाई ने आकाश दिल्ली के लिए। निकलता हूँ मुड्ढा मिराज भाई ने बनाया, नीचे से जगह लेते जा रहे हैं छोटू भाई, पतंग को ऊंचा करते जा रहे हैं मिराज भाई। फिर से थोड़ा सा बाहर की तरफ पतंग को निकालते हुए चमकाते हुए ज़्यादातर अंदर के मुड्ढे पर थपकते हुए पेज काटे हैं मिराज भाई ने। धीरे धीरे अपनी पतंग को चला रहे हैं, करीब कर रहे हैं, रेंज ज़्यादा नहीं है। छोटू भाई अपनी पतंग को ऊंचा करें हुए एक ही जगह पर रोके हैं, सीधी पतंग उतारी, अंदर के मुड्ढे बताए तो ताकत से थपकिया फिर से हमारी डोरों पे रखे हुए हैं छोटू भाई। और ये देखिए सिर्फ रोके रोके बाहर के चक्करों पे ये पेज छोटू भाई ने काट दिया है मिराज भाई को। एक पेज हो गया छोटू भाई का। तो ऊपर से आ गए हैं हिप्पी भाई आकाश दिल्ली के लिए दूसरा पेज रोकने के लिए छोटू भाई को। नीचे से छोटू भाई लड़ाते हुए सही की आवाज़ दी, पेज सही हो गया। बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए हिप्पी भाई, नीचे से छोटू भाई जगह लिए हुए हैं और अंदर के मुड्ढे पे हिप्पी भाई पतंग को उतारते चले जा रहे हैं। 300 मीटर की रेंज, निकलता मुड्ढा बनाया हिप्पी भाई ने, फिर से अंदर की तरफ जगह ले रहे हैं। छोटू भाई अपनी पतंग को एक ही जगह पर रोके हैं, काफ़ी ऊंचा करके मुड्ढा दे रहे हैं। धीरे धीरे अपनी पतंग को कम करते हुए हिप्पी भाई आगे की तरफ बढ़ते हुए बीच में मुड्ढा बनाया है। निकलता मुड्ढा हिप्पी भाई ने बनाया, बाहर का मुड्ढा छोटू भाई ने बनाया, रोका, सीधा गद्दा मारा हिप्पी भाई ने, अंदर की तरफ दिखा के फिर से डोरों पर रख लिया और फिर से ये पेज बाहर के चक्करों पर छोटू भाई ने काट दिया और दो पेज अपने पूरे। 5:15 बज गए हैं और जैसा कि तय हुआ था स्टार्टिंग में दो पतंग लड़ेगी, तो दो पतंग सिर्फ लड़ेगी। और ये रहा हमारे अज़र भाई, एक पतंग अज़र भाई के हाथ में है और देखते हैं कोई दूसरी पतंग बढ़ती है कि नहीं। और नीचे से छोटू भाई ने अपने दो पेज पूरे कर लिए हैं A1 के लिए। तीसरा पेज रोकने के लिए आ गए हैं हमारे अज़र भाई आकाश दिल्ली के मेम्बर। ऊपर से अज़र भाई और नीचे से छोटू भाई अपना तीसरा पेज लड़ा रहे हैं A1 लखनऊ के लिए। पतंग को बीच में उतारते हुए सही की आवाज़ दी, पेज सही हो गया। और आज का जो गेम था शेर पंजाब और इंडियन में, कहीं ना कहीं 6 या 7 टिकट से शेर पंजाब जीत गया है, लेकिन इधर का देखते हैं क्या है, कौन कितना टिकट से जीता। निकलता हूँ मुड्ढा बनाया, बाहर की तरफ दिखा के तेज तेज थपकिया हमारी, अंदर की तरफ थपकिया हमारे, फिर से बाहर के बल, और फिर से बाहर के बल पे ये छोटू भाई ने पेज काट के अपने 3 पेज पूरे कर लिए A1 लखनऊ के लिए। तो फ्रेंड्स गेम यहीं पर एंड होता हुआ, माल पैक कर रहे हैं सब लोग अपना और टिकट की अपडेट हम लोग ले लेते हैं गौरव भाई से। आज गौरव भाई शायद 2 ही पेज कटे हैं लग रहा है, पता करते हैं कितने टिकट से आज का गेम जीते हैं। आशु भाई भी हमारे हैं, आशु भाई से पूछ लेते हैं, उधर से टिकट भी लेके आ रहे हैं शायद। तो आशु भाई टिकट की क्या अपडेट है, कौन कितने टिकट से जीता आज का गेम? 13 पर्चों से। तो आज का गेम A1 लखनऊ जीत गया है 13 पर्चों से आकाश दिल्ली से। और आज चौथे दिन का गेम था जो खाली घटे हैं आकाश दिल्ली, 3 दिन लगातार जीते हैं आकाश दिल्ली के मेंबर्स। बढ़िया गेम लड़ा, टक्कर का गेम लड़ा ये इंडियन क्लब के हमारे कैप्टन जावेद भाई। जावेद भाई आप लोग के गेम का क्या रहा? 8 पर्चे शेर पंजाब 8 पर्चे जी। तो बढ़िया गेम रहा, उधर भी सुना आपकी ओर से भी सत्ता पड़ा, उधर से भी सत्ता पड़ा, टक्कर का गेम रहा, टक्कर का गेम रहा। तो गेम यहाँ पे एंड हो गया, ये रहा आशु भाई, इनको हम बहुत मारेंगे बाद में, लेकिन खा चुके भैया खा चुके। और बढ़िया गेम रहा दोनों के बीच में, और जाहिर हमारे डंपी भाई। तो आज का गेम काइट जोन, जीजान जीत गया अदरवाइज से।
14 वर्षों से यूट्यूबर 14 वर्षों से, क्या कहना सर भाई? हाँ हाँ ईशान भाई जीते, एवन बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार गेम रहा, बहुत हंसी मजाक रहा, अच्छा टूर रहा, क्यों अजहर भाई? बढ़िया बढ़िया टूर, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट टाइम फिर जल्दी मुलाकात होगी अजहर भाई, सलमान भाई क्यों हवा लेकिन हवा देख के आइएगा, क्योंकि आपने बहुत सही, हाँ हाँ थोड़ा डाउन हुई, हाँ तीनों दिन अच्छी मिली, नहीं नहीं हाँ क्योंकि बीच में हवा बिल्कुल, कई टीमें आई परदेसी चली गई, एक एक दिन लड़ा लड़ा के कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ चलिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी बहुत जल्दी, अल्लाह हाफिज़।